जी वालेकुम डियर स्टूडेंट्स बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लास्ट लेक्चर में हम सी बी पी जो है उसकी हमने बेसिक डिस्कशन की और uh, वो थोड़ा सा मैं रिवाइज करना चाहूंगा क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं उनकी फर्स्ट क्लास है और लास्ट लेक्चर जो है वो मैं प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं कर सका ड्यू टू मिस्टेक क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग की कमांड जो है वो नहीं दी थी uh, और टू जो है आज सबसे पहले मैंने यही काम किया कि जी मैं रिकॉर्डिंग की कमांड दे दूँ और सीबीपी एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था कि ये तीन मेजर एरियाज हैं जो आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए बिफोर वी स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग सीबीपीस तो सबसे पहली चीज हमने डिस्कस की थी कि आपको ग्रिप होनी चाहिए उस पर डेथ वॉज एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एलिमेंट्स ऑफ कास्ट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट मैं जल्दी से आपको रिपीट uh, करवाना चाहूंगा कि टोटल कास्ट को हमने तीन मेजर हिस्सों में डिवाइड किया था Material cost. Material cost is cost of all physical inputs having useful life of less than one year. Labor cost was cost of all physical as well as intellectual human efforts. Or other cost was cost other than material cost and labor cost. For example, taxation, rent, insurance, so इन तीनों को हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिवाइड किया था डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो पर यूनिट बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकें इनडायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो पर यूनिट बेसिस पे आइडेंटिफाई ना हो सके मटेरियल के लिए हमने दो पॉइंट्स डिस्कस किए थे एक डायरेक्ट मटेरियल वो होगा फर्स्ट पॉइंट था कि जो फिनिश गुड्स का फिजिकल पार्ट होगा फिनिश गुड्स का हिस्सा बनेगा अल्टीमेटली ठीक है जी वो तमाम मटेरियल वो तमाम चीज़ें जो यूज़ हुई जिनकी लाइफ एक साल से कम थी लेकिन वो फिनिश गुड्स का फिजिकल पार्ट नहीं बन सकें वो डायरेक्ट नहीं हो सकते ठीक है।, है जी फॉर एग्जाम्पल स्टेशनरी है क्लिनिंग मटीरियल है फैक्ट्री सप्लाईज़ हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सप्लाईज हैं वो डायरेक्ट नहीं हो सकते ठीक है, है? डायरेक्ट के लिए पहली चीज़ ज़रूरी है कि जी वो फिनिश गुड्स का फिजिकल पार्ट हो सेकेंड इज़ कि उनकी पर यूनिट कास्ट आसानी से कैलकुलेट की जा सके बाकी सारा मटीरियल इनडायरेक्ट है डायरेक्ट लेबर वो है जिसका पर यूनिट टाइम कैलकुलेट की जा सके किया जा सके इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप जिसके लिए एग्जिस्ट करता हो बाकी सब इनडायरेक्ट है ये हमने डिटेल से डिस्कशन की थी इसलिए मैं थोड़ा तेज आज बता रहा हूँ और अदर कास्ट अगर पर यूनिट पता हो तो डायरेक्ट है अदरवाइज इनडायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट रेड कास्ट मैंने बताया था सब जो है वो ओवर हेड्स के हैं ठीक है जी और अगर ओवर हेड्स अगर इनडायरेक्ट कास्ट फैक्ट्री में यूज हुई हो प्रोडक्शन फंक्शन में यूज हुई हो उसको फैक्ट्री ओवर कहते हैं या मैन्युफैक्चरिंग ओवर कहते हैं अगर ये इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो में यूज़ हुई हो, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कहलाते हैं और अगर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में यूज हुई है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर हेड्स कहलाएंगे ठीक है तो ये डिटेल से हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन कर ली थी ठीक है जो इसको डिस्कस करने का मकसद ये था कि हमें पता हो कि अल्टीमेटली हम जब इनमें वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट, बिहेवियर वगैरह को डिस्कस करेंगे तो हमें एलिमेंट्स का पता हो ठीक है इसको कंट्रोल के वाले से और ये बाकी जो टॉपिक्स हैं आपके कोर्स में वहां पे भी बहुत सा जो है इसका रोल है एलिमेंट्स ऑफ कास्ट के वाले से ठीक है तो ये नेचुरल क्लासीफिकेशन ऑफ कास्ट है एलिमेंट्स ऑफ कास्ट इज ऑल्सो काल्ड नेचुरल क्लासीफिकेशन ऑफ कास्ट तो बाय नेचर हमने इसको देखा है कि जिन मटेरियल की नेचर लेबर से मुख्तलिफ है अदर कास्ट की नेचर इन दोनों से मुख्तलिफ है ठीक है इसके बाद हमने डिस्कशन uh, की थी कॉस्ट बिहेवियर के हवाले सेवियर so तो हमने डिस्कस किया था कि कास्ट वेरिएबल हो सकता है का हो सकता है, तो वेरिएबल कास्ट जो है हमने डिस्कस किया था चेंजेस प्रोपोर्शनेटली विथ चेंजेस इन एक्टिविटी लेवल जिस परसेंटेज से एक्टिविटी लेवल चेंज होगा उसी परसेंटेज से कॉस्ट भी चेंज हो तो ऐसी कॉस्ट कॉस्ट कहलाती है वेरिएबल इसका ग्राफ हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट कास्ट करवाया और वो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यूनिट्स तो ऐसी कॉस्ट कहलाएगी वेरिएबल कॉस्ट तो जितने परसेंट से यूनिट्स रहे हैं उतने परसेंट से ही टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी पढ़ी तो इसको इस तरह से भी ड्रा कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन होगी ठीक है तो ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं तो ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं स्लोप जो है वो वेरी करती है वो कोई मसला नहीं पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कॉन्स्टेंट रहती है कि हर यूनिट पे सेम अमाउंट लगेगी ठीक है तो कॉस्ट बिहेवियर जो है वो टोटल के हिसाब से हम देखते हैं ठीक है जी पर यूनिट के हिसाब से नहीं तो हर यूनिट पे सेम कॉस्ट लगती है हर यूनिट पे फिफ्टी रुपीज लगेंगे हर यूनिट पे एटी रुपीज लगेंगे तो ऐसी कॉस्ट कहलाती है वेरिएबल कॉस्ट तो डायरेक्ट कॉस्ट जो होती है वो हमेशा वेरिएबल होती है डायरेक्ट कॉस्ट इज ऑलवेज वेरिएबल ठीक है तो डायरेक्ट कॉस्ट जो आपने देखा है डायरेक्ट मटेरियल हो चाहे वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो चाहे वो डायरेक्ट अदर कॉस्ट हो क्योंकि ये पर यूनिट चेंज हो रही होती है पर यूनिट इसका पता है तो ये डायरेक्ट कॉस्ट जो है ये आप देखेंगे कि ये हमेशा वेरिएबल uh, कॉस्ट हो और ओवरहेड्स जो है उनमें वेरिएबल ओवरहेड्स भी हो सकते हैं फिक्स ओवर भी हो सकते हैं ठीक है, है तो कॉस्ट पीरियर क्योंकि हमने डिस्कस किया था डिटेल से आज मैं थोड़ा सा इसको तेज डिस्कस कर रहा हूँ वेरिएबल कॉस्ट हमने इससे डिस्कस की थी फिक्स कॉस्ट डज नॉट चेंज विद चेंज इन एक्टिविटी लेवल इसमें कोई चेंज नहीं आता ठीक है इसका टोटल uh, ग्राफ जो हमने बनाया था वो कुछ इस तरह से था टोटल फिक्स कॉस्ट डज नॉट चेंज तो ये स्ट्रेट लाइन होगी ठीक है जैसे जैसे एक्टिविटी लेवल हम यूनिट्स में मेजर कर रहे हैं बढ़ता है तो कॉस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता टोटल कॉस्ट इज द सेम लेकिन पर यूनिट फिक्स कॉस्ट जो है जाहिर है पर यूनिट कॉस्ट आप कैसे निकालते हैं तो टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से अगर आप डिवाइड कर दें यू गेट पर यूनिट कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट ये तो कांस्टेंट है नोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर अगर बढ़ है एक्टिविटी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम होना शुरू हो जीरो को टच नहीं करेगी क्योंकि ऊपर अगर वन रुपी भी है नीचे जितनी मर्जी बड़ी अमाउंट आ जाए इट वुड इट वुड नेवर बी जीरो ठीक है जी? तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट जो है ये कम होगी विद इंक्रीज इन एक्टिविटी ठीक है तो लेकिन ये जाहिर है जीरो नहीं हो सकती और आप जो कॉस्ट बिहेवियर को देख रहे होते हैं वो टोटल के हिसाब से देख रहे होते हैं तो टोटल में ये फिक्स्ड है ठीक है इसी तरह से फिर हमने डिस्कस की थी सेमी वेरिएबल कॉस्ट ठीक है सेमी वेरिएबल कॉस्ट और इसको मिक्स कॉस्ट भी कहते हैं इसका कोई स्टैंडर्ड ग्राफ नहीं है ठीक है ये हर जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है उसका डेटा जो है उसको देख के हम एक इक्वेशन बना सकते हैं उस इक्वेशन की फिर uh, जो है वो ग्राफ में भी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है ठीक है ये ऐसी कॉस्ट है जो डिसप्रोपोर्शनेटली चेंज होगी चेंज होगा कॉस्ट में सेमी वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस विद चेंज इन एक्टिविटी लेवल बट द चेंज नॉट करिस्पॉन्ड टू चेंज इन एक्टिविटी लेवल ठीक है अगर स्ट टेन परसेंट एक्टिविटी टेन परसेंट बढ़ी है तो कास्ट टेन परसेंट से ज्यादा या कम बढ़ेगी सेम परसेंटेज से नहीं बढ़ेगी ठीक है सेम परसेंटेज से बढ़े तो वो वेरिएबल कॉस्ट है ठीक है जा? तो में चेंज तो आ रहा है लेकिन सेम परसेंटेज से नहीं आ रहा इसलिए सेमी वेरिएबल कॉस्ट है तो सेमी फिक्स कॉस्ट भी एक होती है ठीक है सेमी फिक्स कॉस्ट भी कहते हैं इसको स्टेप फिक्स कॉस्ट भी कहते हैं ये तो ये चेंज होती है विद चेंज इन एक्टिविटी लेवल लेकिन हर दफा चेंज नहीं होगी ठीक है ये ऐसी फिक्स कॉस्ट है जो रेलेवेंट रेंज में भी चेंज होगी फिक्स कॉस्ट रेलेवेंट रेंज में चेंज नहीं होती तो रेलेवेंट रेंज हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था डिटेल से आज फिर हम डिस्कस करेंगे कि जैसे जैसे यूनिट बढ़ते हैं एक सर्टन यूनिट तक आपकी कॉस्ट नहीं बड़ी सुपरविजन सपोज हमने सुपरविजन की एग्जाम्पल ली थी कि इतने यूनिट से एक सुपरवाइजर सुपरवाइज कर लेगा लेकिन टोटल इसका लेकिन इसके बाद अगर मजीद यूनिट्स बनाने हैं हैं तो वो तो करने है वो सुपरवाइज करने भी तो एक और सुपरवाइजर हायर कर लिया कास्ट बढ़ गई फिर सर्टन यूनिट्स तक कास्ट उतनी की उतनी है फिर एक सुपरवाइजर हायर करना पड़ा फिर कास्ट उतने की उतनी है तो ये ऐसी कहलाती है आ, सेमी फिक्स लॉजिकली तो ये फिक्सड है लेकिन मुकम्मल तौर पर फिक्सड नहीं है ये एक एक छोटी रेंज में जो रेलिमेंट रेंज है उसमें भी ये चेंज हो रही है ठीक है तो ये अजान हो रही है जी मैं अजान के बाद जो है इसको कंटिन्यू करता हूँ हम डिस्कस कर रहे थे कि ये आ, आ, ये सेमी फिक्स कास्ट के हवाले से कि ये हर दफ़ा चेंज भी होगी लेकिन ये सेमी फिक्स कास्ट इसलिए कहलाती है फिक्स कास्ट प्योर फिक्स कास्ट इसलिए नहीं है कि ये रेलिवेंट रेंज में भी चेंज होगी ठीक है तो अब रेलिवेंट रेंज के कन्सेप्ट को भी हमने लास्ट क्लास में डिटेल uh, से डिस्कस किया था तो आज हम फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्सेप्ट है और कुछ स्टूडेंट को जाहिर है इसमें मसाइल भी हैं तो इसको जरा ध्यान से सीखेंगे तो रेलिवेंट रेंज ये तीन चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए ठीक है फर्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ कास्ट सेकेंड इज कास्ट बिहेवियर थर्ड इज रेलवेंट रेंज तो कास्ट बिहेवियर में आपको ये चीज भी जेन में रखनी है कि जी जो यूज होगी सीवीपी एनालिसिस में या तो वो फिक्स कास्ट होगी या वो वेरिएबल कास्ट होगी अगर कोई कास्ट सेमी वेरिएबल है या सेमी फिक्स्ड है तो उसको हम डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू फिक्स और वेरिएबल में डिवाइड करेंगे तो कई दफा क्वेश्चन में आपको सी डी फिक्स या वेरिएबल कास्ट नहीं दी जाएगी एक मिक्स कास्ट वो दे, दे देंगे और वो कहेंगे जी के बीपी निकालें तो बीपी में तो हमें मिक्स कास्ट नहीं चाहिए हमें तो फिक्स कास्ट चाहिए और सी एम पर यूनिट वगैरह अगर हमें निकालना है तो वहां पे हमें वेरिएबल कास्ट की जरूरत पड़ेगी तो क्वेश्चन में तो मिक्स कास्ट आ गई तो पहले हम मिक्स कास्ट को वेरिएबल और फिक्स में डिवाइड करेंगे देन वी विल बी एबल टू

हेल्प uh, करें कि जी हम ऐसी स्टेट लाइन लगा सकें हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है इकोनॉमीज टू स्केल कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाएंगे आपकी पर यूनिट कास्ट कम होना शुरू हो जाएगी और एक स्टेज आएगी जिसके बाद डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल शुरू हो जाएंगी और पर यूनिट कास्ट दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाएंगी राइट तो यहाँ पे तो हम देख रहे हैं ना तो पर यूनिट कास्ट में ये 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 यूनिट वेरिएबल कास्ट है आप देख रहे हैं ये ये एक स्टेट लाइन है ठीक है तो ना तो यहां पे हमारे पास ना कोई कमी आ रही है ना इकोनॉमीज ऑफ स्केल शो हो रही है ना दोबारा से इसमें कोई इंक्रीज आ रहा है ना डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल शुरू हो रही है इसी तरह से टोटल वेरिएबल कॉस्ट की स्लोप कॉन्सटेंट है स्लोप कॉन्स्टेंट का मतलब होता है कि पर यूनिट वो कॉन्स्टेंट है ठीक है जी स्लोप का मतलब ही पर यूनिट है स्लोप क्या होती है चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट ड्यू टू यूनिट चेंज इन एक्टिविटी कि रुपीज पर यूनिटी है ना स्लोप टोटल वेरिएबल कास्ट की स्लोप रुपीज पर यूनिटी है तो हम यहां पे देख रहे हैं स्लोप कॉन्स्टेंट है पर यूनिट वेरिएबल कास्ट कॉन्स्टेंट है ठीक है और यहां पे भी स्टेट लाइन का मतलब है कि स्लोप कॉन्स्टेंट है इकोनॉमिक्स इस चीज को नहीं मानती कि जी स्लोप कॉन्स्टेंट है इकोनॉमिक्स कहती है कि जी स्लोप में कमी आएगी पर यूनिट वेरिएबल कास्ट कम होगी जैसे जैसे एक्टिविटी लेवल बढ़ेगा ठीक है और एक स्टेज ऐसा आएगा कि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट डिस इकोनोमीज ऑफ स्केल की वजह से फिर से बढ़ना शुरू हो जाए तो ये चीजें हमें यहां पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही हैं राइट इसी तरह से जो फिक्स कॉस्ट है ये हमेशा के लिए फिक्स नहीं होती है ठीक है एक लॉन्ग रन में फिक्स कॉस्ट में भी इंक्रीज आएगा आपको मजीद फैक्ट्रीज में भी रेंट पे लेनी पड़े मजीद इक्विपमेंट आपको चाहिए हो मजीद सुपरवाइजर आपको चाहिए कुछ मैनेजर्स आपने हायर करने तो इन द लॉन्ग रन देयर इज इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट ठीक है तो स्टेट लाइन बिल्कुल एस सच नहीं होती हैं और सेमी वेरिएबल और फिक्स को वो भी डिवाइड करते हैं फिक्स और वेरिएबल में तो लेकिन यहाँ पे हम स्टेट लाइन्स लगा सकते हैं सिर्फ तब जब हम प्रॉपर एजम्पन्स लें ठीक है जा? तो यहाँ पे रेलेवेंट रेंज का कॉन्सेप्ट जो है इम्पोर्टेंट है कि हमने स्टेट लाइन्स क्यों लगाई हैं हम क्यों जो है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल के कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर रहे हैं ठीक है जा? तो यहाँ पे हम अकाउंटेंट्स व्यू भी देखेंगे कि अकाउंटेंट ऐसा क्यों करें ठीक है जी और इकोनॉमिस्ट व्यू भी देखेंगे कि इकोनॉमिस्ट किस तरह से इसको देखते हैं ठीक है जो हमने इकोनॉमिक्स में चीजें डिस्कस की हैं इकोनॉमीज ऑफ और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल कॉलेज तो ये दो इमेजेस जी आपके सामने मौजूद हैं ठीक है जी तो अगर हम यहाँ पे देखें तो पहला जो इमेज आप देख रहे हैं ठीक है ये इमेज जो है ये इकोनॉमिस्ट व्यू है ठीक है तो तीसरी व्यू में देखें तो ये जो लाइन है ए बी सी एंड डी ठीक है ये टोटल कॉस्ट uh, की लाइन है जी हमारे पास ठीक है ये ए बी सी एंड डी आप देख रहे हैं पहले ए से बी तक जो है इसकी बहुत स्टीप एक स्लोप है स्टीप स्लोप का मतलब है कि ए से बी तक अभी आपने इकोनॉमीज टू स्केल अचीव करना शुरू नहीं की थी तो कास्ट पर यूनिट बहुत ज्यादा थी टोटल कास्ट की स्लोप ज्यादा होने का मतलब है कास्ट किस बेस पे बढ़ती है एक्टिविटी के साथ एक्टिविटी की बेस पे बढ़ती है तो एक्टिविटी की बेस पे यहाँ पे ए से बी तक कास्ट बहुत तेजी से बढ़ रही थी इसका मतलब है पर यूनिट कास्ट बहुत ज्यादा थी बी से सी देखें तो स्लोप में एकदम स्टीप स्टीपनेस एकदम कम हो गई लाइन की इसका मतलब है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल रीप करना शुरू कर दी कंपनी ने ठीक है तो स्लोप में कमी आना शुरू होगी मतलब पर यूनिट कॉस्ट कम होना शुरू होगी तो बी से लेके सी तक आप देख रहे हैं कि सेम स्लोप है ऑलमोस्ट कि कंपनी जो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा उठा रही ठीक है तो ये बी से सी जो है ये ये इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है इकोनॉमीज ऑफ इकोनॉमीज टू स्केल ठीक है कि स्केल बड़ा होने की वजह से यहां पे फायदा हो रहा है आपको इकोनॉमी बी से लेके सी तक तो यहां तक यहां यह, यह शो कर रहा है कि यहां से ए से बी तक आपको स्केल का फायदा नहीं था स्केल बढ़ता जा रहा है यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं तो बी से सी तक आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल नजर आ रही है। और यहां पे डिस इकोनॉमी शुरू हो गई दोबारा से स्लो बढ़ना शुरू होगी ठीक है तो डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी आपने स्कीम ही है बेसिक लेवल पे डिस इकोनॉमीज तो स्केल के बहुत ज्यादा जब स्केल आप बढ़ाना शुरू कर दें तो जाहिर है उससे फिर डिस इकोनॉमीज ऑफ तो स्केल तो ये आपको जाहिर है कि सी से डी तक जो है वो कॉस्ट दोबारा तो बढ़ना शुरू होगी राइट तो लेकिन यहां पे हम हम तो कॉस्ट की एक स्ट्रेट लाइन लगा रहे ठीक है, है स्लोप कॉन्स्टेंट कर रहे हैं स्लोप कॉन्स्टेंट का मतलब रेट ऑफ चेंज जो है वो चेंज नहीं हो रहा ठीक है वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि हम जो है वो लॉन्ग लॉन्ग रन व्यू ये इकोनॉमिक्स का होता है लॉन्ग रन व्यू ये लॉन्ग रन में ओवरऑल देखते हैं ये लिमिट नहीं करते पीरियड को कि जी हम एक साल के अंदर की बात कर रहे हैं या एक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं ठीक है तो लॉन्ग रन व्यू है और अकाउंटेंट्स जो है यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट टर्म सीवीपीवी क्योंकि शॉर्ट टर्म एनालिस है शॉर्ट टर्म प्लानिंग का टूल है यहाँ पे शॉर्ट टर्म व्यू ले रहे हैं तो यहाँ इकोनॉमिस्ट अब इसी तरह से रेवेन्यू की लाइन सेल करते जाएंगे करते जाएंगे और रेवेन्यू आपका बढ़ता जाएगा इकोनॉमिक कहते हैं प्राइस प्राइस क्या चीज होती है वो रेवेन्यू लाइन की स्लोप है रुपीज पर यूनिट है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ओरिजिन से रेवेन्यू की लाइन शुरू हो रही है ये ई तक जा रही है ठीक है तो आप देख रहे हैं यहां है, तक स्लोप जो है वो ऑलोस्ट सेम है इसके बाद जो है वो स्लोप में कमी आना शुरू हो गई इसका मतलब पर यूनिट प्राइस आपने कम करना शुरू कर दिया तेज तो ये, ये पढ़ा रहा हूँ रीजन इज के ये क्ला, ये क्लास हम ऑलरेडी कवर कर चुके हुए हैं रेलिवेंट रेंज जो है फिर भी मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा इसको और हल्का पढ़ाऊं क्योंकि तो आज हमने आगे डिस्कशन करनी है रेवन्यू में देखें आप रेवन्यू की लाइन स्ट्रेट है यहां तक ये यह जो मैंने डैश लगाई ठीक है ये रेवन्यू की लाइन यहां तक स्ट्रेट है इसका मतलब है स्लोप में कमी नहीं आ रही आप हर यूनिट के लिए सेम प्राइस चार्ज करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं यहां से आप देखें अगर हम इसको इसी स्लोप में आगे लेके जाए तो ये इस तरह से जाएगी आगे में तो ये इस तरह से आगे नहीं जा रही आप देख रहे हैं इसमें बैंड आ रहा है बैंड का मतलब है कि स्लोप कम हो गई स्लोप कम होने का मतलब है कि अब आप हर यूनिट के लिए वो प्राइस चार्ज नहीं कर पा रहे आपने मजीद ज्यादा यूनिट 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 सेल सेल करने हैं यू आर नो रिड्यूसिंग प्राइस टू अचीव इंक्रीमेंटल सेल्स अजाफी सेल करने के लिए आप प्राइस को रिड्यूस करें लेकिन हम रेवेन्यू की स्टेट लाइन लगाते हैं अकाउंटिंग में ठीक है जा? अब ये नीचे जो सेकंड ग्राफ आप देख रहे हैं ये अकाउंटेंट्स व्यू है अब अकाउंटेंट कहता है जी कि कमिंग ईयर में हम मिनिमम इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे Q1 इससे कम यूनिट्स हमने प्रोड्यूस नहीं करने ठीक है अब ये शॉर्ट टर्म की बात करें कमिंग ईयर की बात कर एक साल की बात करें हम ये यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे Q2 ये कहलाती है रेलिवेंट रेंज इस रेंज को सामने रखते हुए हमारी कॉस्ट जो है आप देख रहे हैं इस रेंज में रेवेन्यू की लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है यहां से यहां तक रेवेन्यू की लाइन को अगर आप देखें तो Q1 से लेके Q2 तक बिल्कुल स्ट्रेट है यू कैन ड्रा स्ट्रेट लाइन विद दिस एजॉम्पन रेलिवेंट रेंज की एजाम्शन को रखते हुए कि जी हमारी मैक्सिमम और मिनिमम प्रोडक्शन ये होगी हम रेवेन्यू की स्ट्रेट लाइन लगा सकते हैं ठीक है जी ये ये, ये सॉरी कॉस्ट है और रेवेन्यू को आप देखें तो रेवेन्यू की भी आप यहां से यहां तक इस रेंज में रेवेन्यू ठीक है जी रेवेन्यू की भी स्ट्रेट लाइन तो रेलेवेंट रेंज में आप स्ट्रेट लाइन लगा सकते हैं कोई भी कर्व होगा वो रेलिवेंट रेंज में थोड़ी रेंज में वो उसमें लीनियरिटी होती है थोड़ी रेंज ठीक है कहीं से भी आप देख लें यहां से यहां तक भी आप देख लें तो लीनियरिटी आप लगा सकते हैं। तो एक छोटी एक रेंज में आप लीनियरिटी एजम्पन ले सकते हैं तो जो हमने पढ़ा कॉस्ट बिहेवियर वो इस रेंज को सामने रखते हुए पढ़ा और हमने जो लीनियर सीधी सीधी लाइन लगाई हैं, डेट इज बेस्ड ऑन अजम्पन ऑफ रेलिवेंट रेंज इस रेंज के अंदर जो है वो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, ये स्टेट लाइन होगी ठीक है ये स्टेट लाइन है इस यूनिट में पर यूनिट इस रेंज में पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट में चेंज नहीं आएगा इस रेंज से आगे जाते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट इससे नीचे भी हो सकती है ये भी हो सकती है हो सकता है कम हो जाए राइट तो इस रेंज में आप वेरिएबल कॉस्ट की स्ट्रेट लाइन लगा रहे हैं इस रेंज में आपको मजीद कोई फैक्ट्री रेंट पे नहीं लेनी पड़ेगी कोई मजीद इंश्योरेंस नहीं पे करनी पड़ेगी कोई फैक्ट्री मैनेजर मजीद हायर नहीं करना पड़ेगा तो फिक्स लाइन आप स्ट्रेट लाइन लगा रहे हैं ठीक है जा? तो अगर आप रेलिवेंट रेंज से बाहर जाते हैं इन इधर डायरेक्शन ये इस रेंज से कि आपके मैक्सिमम यूनिट्स ये होंगे और मिनिमम यूनिट्स ये होंगे इस रेंज से जैसे ही आप बाहर जाएंगे तो आपकी कॉस्ट बिहेवियर की लाइंस चेंज होंगी ठीक है जी आपका सीवीपी एनालिसिस बदलेगा ठीक है जी सेम वैल्यूज आप वेरिएबल कॉस्ट की फिक्स कॉस्ट की यूज नहीं कर सकेंगे तो ये चीज़ें आपने जेन में रखनी है आपको पता होना चाहिए कि जी हमारे पास जो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट हैं वो क्या हैं हमारा कॉस्ट बिहेवियर किस तरह से हमने चीज़ें देखनी है रेलिवेंट रेंज की एक्म्पन की क्या अहमियत है ठीक है जैसे ही आप देखेंगे आप प्रैक्टिकली एक सर्टेन रेंज से एक्सीड कर रहे हैं या सर्टेन रेंज से पीछे रह रहे हैं तो सर्टेन वैल्यूज आप सी बी पी एनालिस में यूज नहीं करेंगे आप कास्ट बिहेवियर को दोबारा से देखेंगे और नई वैल्यूज यूज होंगी सी बी पी एनालिस कन्डक्ट करते हुए तो ये प्रैक्टिकली बहुत जरूरी है ठीक है तो फिर हमने थोड़ी सी डिस्कशन की थी एबजॉपन एब्जॉपन कास्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग के हवाले से मैंने बताया था कि जी सी बी पी एनालिस जो है वो मार्जिनल कॉस्टिंग पे बेस करता है ठीक है तो एलिमेंट्स ऑफ कास्ट पे हमने देखा कि जी डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है डायरेक्ट अदर कॉस्ट है ओवरहेड्स डायरेक्ट कास्ट इज ऑलवेज वेरिएबल जो ओवर हेड है वो वेरिएबल भी हो सकते हैं फिक्स भी हो सकते हैं तो वेरिएबल ओवरहेड्स ठीक है वेरिएबल फैक्ट्री आप इसको प्रोडक्शन के वाले से हम देख रहे हैं और फिक्स फैक्ट्री ओवर इसी तरह से वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग ओवर फिक्स्ड फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग ओवर तो दो तरह की कॉस्ट होती है एक होती है प्रोडक्ट कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट वो होती है जिसका एक्सपेंस में जाने का रूट ये होता है कि वो पहले इन्वेंट्री में जाएगी क्योंकि वो प्रोडक्शन से रिलेटेड कॉस्ट है और इन्वेंट्री जब सेल हो जाएगी तो वो कॉस्ट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक्सपेंस आउट हो जाएगी जब हम बेनिफिट ले लेते हैं कॉस्ट और एक्सपेंस में क्या फर्क है कि कॉस्ट एक एक्सपेंडिचर है जब तक हम उस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट नहीं लेते वो एक्सपेंडिचर हमारा एसिट होता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल हमने मशीनरी परचेज की तो मशीनरी की क्या कॉस्ट है जी वो हमारा एसिट है फॉर एग्जाम्पल टेन मिलियन है तो टेन मिलियन आर एसिट जैसे जैसे हम मशीनरी से बेनिफिट लेते जाएंगे हर साल जितना बेनिफिट लेंगे उसको सामने रखते हुए सिस्टमेटिक वे में हर साल कुछ अमाउंट एक्सपेंस में जाती जाएगी ठीक है क्यों एक्सपेंस में जाती जाएगी क्योंकि कास्ट का बेनिफिट लेना शुरू कर दिया आप कास्ट का मुकम्मल बेनिफिट ले लें तो कास्ट सारी एक्सपेंस में चली जाती इन्वेंट्री प्रोडक्शन कॉस्ट का क्या बेनिफिट है प्रोडक्शन तो कॉस्ट से आप प्रोडक्शन करेंगे अल्टीमेटली वो गुड सेल होकर रेवेन्यू मिलेगा आपको तो जब तक रेवेन्यू नहीं मिल जाता मतलब जब तक आप सेल नहीं कर लेते बेसिस पे तब तक आप एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि तब तक वो बेनिफिट नहीं मिला आपको तो प्रोडक्शन कॉस्ट का बेनिफिट यहां तक नहीं मिला ना यहां तक तो प्रोडक्शन मुकम्मल हुई है, inventory है इन्वेंट्री स्टिल अभी एसिट है जैसे ही सेल हो गई रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे बेनिफिट रिकॉर्ड करेंगे साथ ही पे करेंगे, राइट? क्या होती है इसमें एक्सपेंस में जाने का रूट मुख्तलिफ है ये सीधी एक्सपेंस में जाएगी इसका इन्वेंट्री में जाने का कोई चांस नहीं है सीधा एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लास्ट में ठीक है तो क्या फर्क है जी यहाँ पे मार्जल कॉस्टिंग और कॉस्टिंग के मार्जल कॉस्टिंग में कहते हैं सॉरी एब्जॉप्शन कॉस्टिंग जो अभी तक आपने पढ़ी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मार्जल कॉस्टिंग कॉस्टिंग कास्टिंग सॉरी चलती है ठीक है कहते हैं जी ये हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट है ये वो कॉस्ट है जो पहले इन्मेट्री में जाएगी और उसके बाद जो है हम इसको जब ये प्रोडक्ट सेल हो जाएगी इन्वेट्री सेल हो जाएगी फिर हम इसको एक्सपेंस में लेके जाएंगे और ये हमारी पीरियड कॉस्ट है ये जिस पीरियड में इनकर होगी उसी में एक्सपेंस हो जाएगी इसका इन्वेंट्री के सेल होने या ना होने से कोई तल, कोई इसका वास्ता नहीं है कोई क्यों को एक्सक्लूड कर देते हैं है? वैलिड रीजन देते हैं जी रेंट है रेंट का प्रोडक्शन से कोई तल्लुक नहीं रेंट का पीरियड से तल्लुक है आप रेंट जो है वो, वो पीरियोडिक पे करते हैं ना एनुअल रेंट पे कर रहे हैं कोई मंथली रेंट पे कर रहे हैं ठीक है जी एंड सो ऑन इसी तरह से वो कहते हैं इंश्योरेंस है वो पीरियड से है कितने यूनिट बनाए इस पर इंश्योरेंस डिपेंड नहीं करती इंश्योरेंस डिपेंड करती है कि जी कितने साल कितने मंथ्स हैं हर मंथ या हर क्वार्टर हर साल की आप अलग से इंश्योरेंस पे करेंगे सुपरवाइजर की सैलरी है फिक्सड है आप हर महीने की पेमेंट करेंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन तो यूनिट बढ़ाने से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो क्या ना यूनिट बढ़ाने से फर्क नहीं पड़ता तो यूनिट को चार्ज भी नहीं करेंगे कॉस्टिंग के फॉलोअर्स कहते हैं कि भाई अल्टीमेटली तो यही है कि हम प्रोडक्शन के लिए इसको इनकर कर रहे हैं तो दोनों ठीक है दोनों हम पढ़ते हैं लेकिन डिसीजन मेकिंग के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग ज्यादा सूटेबल है वो इसको डायरेक्ट एक्सपेंस में लेके जाते हैं फिर ये आपने पढ़ा हुआ है बेसिक्स में भी लेकिन ये मैंने एहतियातन आपको बताया है ताकि आपको पता हो ये फर्क आपको पता होना चाहिए तो जी एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि जी फैक्टर फैक्ट्री के बाहर की कॉस्ट आई डिडेंट अंडरस्टैंड आपका क्वेश्चन क्या है एनी इसको आप पूछ सकते हैं जी अनम्यूट करके भी यहां तक कोई क्वेश्चन है तो जी आप पूछ सकते हैं एनी स्टूडेंट एनी क्वेश्चन इन रिलेशन टू एलिमेंट्स ऑफ कास्ट कास्ट बिहेवियर रेलिवेंट रेंज एंड एंड मार्जिनल कॉस्टिंग एनी क्वेश्चन Anyway, इसको फिर हम फर्दर आगे में, कैसे बनती है जी? आपने, ये आपने सीखी हुई है जी एब्जॉप कास्टिंग फाइनेशियल अकाउंटिंग में यही चलती है में आप कैसे बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेल्स में से आप माइनस करते हैं कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कास्ट ऑफ गुड्स तो ये आपने लेवल में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स पढ़े थे उसमें जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनती है डायरेक्ट मटेरियल यूज उसमें आप डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऐड करते हैं उसमें डायरेक्ट अदर कॉस्ट ऐड होती है ठीक है फिर फैक्ट्री और एड एड होते हैं कौन से फिक्स और वेरिएबल दोनों तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वो होती है जिसमें आप फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों फैक्ट्री रेड प्रोडक्शन को चार्ज कर रहे होते हैं जाहिर है फिक्स्ड जब ये वेरिएबल और फिक्स्ड फओ एच दोनों प्रोडक्शन को चार्ज होंगे दोनों इन्वेंट्री में जाएंगे कॉस्टिंग में क्या है कि ये सारी प्रोडक्ट कॉस्ट है ना मटेरियल कॉस्ट लेबर कॉस्ट अदर कॉस्ट वेरिएबल एफओ एच एंड फिक्स्ड एफ ओ एच तो एब्जॉपन कॉस्टिंग में क्या होगा कि ये पांचों चीजें मटेरियल कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट डायरेक्ट अदर कॉस्ट वेरिएबल एफओ एच एंड फिक्स्ड एफ ओ एच सारी प्रोडक्ट कॉस्ट है तो सारी आप इन्वेंट्री को चार्ज करते हैं वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट सबको याद होगी जिसमें मटेरियल कॉस्ट लेबर कास्ट एफ ओ एच एड हो के, टोटल मैनुफेक्चरिंग कॉस्ट आ जाती है उसमें वर्किंग प्रोसेस, करते हैं क्लोजिंग लेस करते हैं पांचों कास्ट ठीक है जु? चाहे वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है चाहे वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है चाहे वो डायरेक्ट अदर कॉस्ट है वेरिएबल एफ है चाहे वो फिक्स्ड एफ पांचों जो है प्रोडक्शन को चार्ज करते हैं वो इन्वेंट्री में चली जाती है प्रोडक्शन कॉस्ट जाहिर है प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो यूनिट बन के इन्वेंट्री में जाते हैं अब फिक्स ट्रेक्ट, भी तो इन्वेंट्री में चले ना ये पांचों कास्ट इन्वेंट्री में चलेगी अब जब यूनिट सेल होंगे तो फिर वो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड में जाएंगे तो इसका मतलब कास्ट ऑफ गुड सोल्ड में ये डायरेक्ट कॉस्ट भी शामिल है वेरिएबल एफर्ट भी शामिल है फिक्स एफर्ट भी शामिल है तो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करूं कास्ट ऑफ गुड सोल्ड में फिक्स एलिमेंट भी है वेरिएबल एलिमेंट भी है ठीक है जो। तो फिलहाल ये अब्देशन कॉस्टिंग का अब मार्जल कॉस्टिंग में क्या होता है कि प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है मटेरियल कॉस्ट लेबर कॉस्ट अदर कॉस्ट वेरिएबल एफ एच तो ये चार चीजें हैं ना चारों वेरिएबल है ना ये तो इसका मतलब है सीजीएस भी वेरिएबल होगी जब वेरिएबल चीज जाएगी इन्वेंट्री में तो इन्वेंट्री अल्टीमेटली सीजीएस बनती है तो सीजीएस वेरिएबल होती है मार्जल कॉस्टिंग में ठीक है तो ये मामूली सा फर्क है कि मार्जल कॉस्टिंग में फिक्स एफ ओ आप प्रोडक्शन को चार्ज नहीं करते ठीक है जा? और कॉस्टिंग में फिक्स रेट आप प्रोडक्शन को चार्ज कर रहे होते हैं बस ये फर्क है कि ये प्रोडक्शन को चार्ज होंगे इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जल कॉस्टिंग में ये फिक्सड एफ ओ प्रोडक्शन को चार्ज नहीं होंगे ठीक है जा? अब होता क्या है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो स्टेटमेंट बनती है वो इस तरह से है कि सेल्स में से सी जी एस पाइनस हो गई एंड यू गेट ग्रॉस प्रॉफिट ठीक है अब क्यूँ चार्ज होंगे ये दो सिस्टम अलग अलग है ना ठीक है एबजॉर्प्शन कॉस्टिंग एक अलग सिस्टम है ये भी सही कह रहे हैं अब ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स कर रहे हैं जी कि ये ऐसा क्यों है यहां पे प्रोडक्शन को चार्ज क्यों करे और यहां पर प्रोडक्शन को चार्ज क्यों नहीं करे अब ये जरा ध्यान से सुने एब्जॉर्प्शन कास्टिंग में प्रोडक्शन में चार्ज क्यों करें ब्जॉप कास्टिंग होती है एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए ठीक है दो तरह की रिपोर्टिंग होती है एक होती है एक्सटर्नल रिपोर्टिंग एक्सटर्नल रिपोर्टिंग किसके लिए होती है फॉर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं ये कौन लोग हैं एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स नॉट इनवाल इन रनिंग ऑफ ऑपरेशन ऑपरेशन को रन नहीं करे चाहे वो शेयर होल्डर्स हैं चाहे वो कस्टमर्स हैं चाहे वो सप्लायर्स हैं ठीक है एक्सटर्नल रिपोर्टिंग होती है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए ठीक है अब ये जरा ध्यान से सुनना है आप क्वेश्चन करें कि क्यों है ऐसा कास्टिंग में हम फिक्स अपडेट चार्ज करते हैं प्रोडक्शन को मार्जन कास्टिंग में नहीं करते वाई ठीक है तो इसका मैं आसर कर रहा हूं आपको इंटरनल रिपोर्टिंग जो होती है ये आपके बेसिक क्वेश्चन जो फंडामेंटल्स ऑफ खास एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में होने चाहिए एनी वेज आप पूछे क्वेश्चन का मसला नहीं है मैंने क्यों नहीं बताया उसकी वजह बता रहा हूं आपको अभी आपने पूछा है मैं बता रहा हूं ठीक है इंटरनल रिपोर्टिंग जो होती है ये किसके लिए होती है फॉर इंटरनल स्टेक होल्डर्स इंटरनल स्टेक होल्डर्स ये कौन होते हैं इंटरनल स्टेक होल्डर्स इनवॉल्व इन रनिंग ऑपरेशन कौन है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं मैनेजमेंट है इंप्लाइज हैं है. इन दोनों को डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए ठीक है जा? अब मैं जरा डिटेल में जा रहा हूं आपके क्वेश्चन की वजह से क्योंकि ये खैर हमारे कोर्स का ऐसा नहीं है लेकिन आप पूछ रहे हैं, इसलिए जरूरी है ये क्वेश्चन आपका इधर ही हैंडल हो जाए तो अच्छा है क्योंकि ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है और ये बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक्सटर्नल स्टेक होल्डर में फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं शेयर होल्डर्स की शेयर होल्डर्स का क्या मफाद है क्यों वो क्या डिसीजन उन्होंने लेने हैं क्यों वो इंफॉर्मेशन चाहते हैं ठीक है देर इज टू रीजंस ठीक वेल्थ मैक्माइजेशन को रीजन यही है वेल्थ मैक्सीमाइजेशन एक रीजन यही है बेसिकली लेकिन इसके दो सब रीजन हैं शेयर होल्डर इन्वेस्टर हैं वो वेल्थ मैक्सिमाइज करना चाहते हैं उनके पास जो दौलत है उसको बढ़ाना चाहते हैं ठीक है एक ही मकसद के लिए उन्हें इंफॉर्मेशन चाहिए कि वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कर सकें अपने मकसद को पूरा कर सकें कैसे पूरा कर सकेंगे जाहिर है सही डिसीजन लेंगे सही जगह इन्वेस्ट करेंगे तभी वो वेल्थ मैक्सीमाइज कर सकेंगे इसमें दो चीजें होती हैं रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ ये थोड़ा सा आपके कोर्स से रिलेटेड मैं बना रहा हूँ लेकिन ये जाहिर है आपको यहां से क्लियरिटी आएगी रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ का वो देखते हैं और दूसरी चीज होती है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मैं सिर्फ एक दो एग्जाम्पल्स आपको दूंगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मैं किस क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूं ये आपको हर टाइम क्लियर होना चाहिए कि ये स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि एब्जॉर्बन कास्टिंग में हम प्रोडक्शन को चार्ज करते हैं क्यों माजल कास्टिंग में चार्ज नहीं करते क्यों ठीक है अब मैं बता रहा हूं कि एक कास्टिंग यूज होती है इधर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग में ठीक है जा? और माजल कास्टिंग इधर यूज होती है इंटरनल रिपोर्टिंग में क्यों ठीक है इस इ, इसी अच्छा यहाँ पे एक्सटर्नल रिपोर्ट स्टेक होल्डर्स के लिए होती है एक्सटर्नल रिपोर्ट इनमें से एक है शेयर होल्डर्स शेयर होल्डर्स ने वेल्थ मैक्सिमाइज करनी ठीक है एक रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इनको इन्फर्मेशन चाहिए उन्हें उन्हें पता होना चाहिए कि गिवन कंपनी में इन्वेस्टमेंट रिस्क कितना है रिटर्न कितना मिलेगा हाई रिस्क हाई रिटर्न ज्यादा रिस्क की तरफ जाएंगे तो ज्यादा रिटर्न के चांसेस होते हैं ये कॉन्सेप्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट है फाइनेंस का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अच्छा अब क्वेश्चन ये है कि जो जो शेयर होल्डर्स हैं वो दस साल पहले उनका क्या मकसद था यही मकसद था और यही दो चीजों को वो देखते थे पोर्टफोलियो कहते हैं कि जी डिफरेंट कंपनी ने इन्वेस्ट किया हुआ है उन तमाम कंपनीज की जो लिस्ट है कहां कहाँ एक इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया हुआ है उस कॉम्बिनेशन को पोर्टफोलियो बोलते हैं वो पोर्टफोलियो को एज अ होल मैनेज करते हैं क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि एक इन्वेस्टमेंट का दूसरी इन्वेस्टमेंट से क्या तल्लुक है सारी इकट्ठी तो नहीं नीचे चला लास्ट पे चली जाएंगी सारी इकट्ठी लास्ट पे जाएंगी तो जाहिर है वो इन्वेस्टर को बहुत बड़ा धचका लगेगा तो पोर्टफोलियो वो इस तरह से मैनेज करते हैं कि कुछ कंपनीज अगर कुछ इन्वेस्टमेंट्स लास्ट पे जा रही हैं तो कुछ उसको प्रॉफिट पे लेके जाएं थोड़ा मैरिज हो जाए चीजें तो ये दो चीज़ें चाहिए होती इन्वेस्टर को बीस साल पहले भी यही चाहिए थी बीस साल बाद भी यही चाहिए होंगी कोई फर्क नहीं है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर में सप्लायर्स हैं ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल स्टेक होल्डर होते हैं इन्वेस्टर्स एंड सप्लायर्स सप्लायर्स को क्या चाहिए सिर्फ लिक्विडिटी चाहिए सिर्फ ये चाहिए कि वो टाइमली आप उसको पेमेंट कर दें इट और कुछ भी नहीं बीस साल पहले भी यही चाहिए था बीस साल बाद भी यही चाहिए होगा ठीक है चाहे गवर्नमेंट नवाज नवाज शरीफ की हो चाहे इमरान खान की हो कोई गवर्नमेंट आ जाए कोई ला बन जाए कोई टेक्नोलॉजी आ जाए कोई सी सोशल चेंज आ जाए ठीक है इन्वेस्टर्स को यही दो चीजें चाहिए किसी किस्म का चेंज आ जाए सप्लायर को आपसे टाइमली पेमेंट के अलावा कुछ नहीं चाहिए राइट तो ये जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स है ना इनकी इंफॉर्मेशन नीड कॉन्स्टेंट है ये वक्त के साथ नहीं बदलती ये पोलिटिकल इन्वायरमेंट के साथ सोशल टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट किसी वजह से इनकी इंफॉर्मेशन नीड नहीं बदलती इसी वजह से फाइनेंशियल अकाउंटिंग इनके लिए होती है ठीक है जा? हर साल हर साल जनरल इंट्रीज होंगी लेजर्स बनेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी एक सी बनेगी क्यों बनेंगी हर साल एक सी क्योंकि हर साल सेम तरह के डिसीजन लेने हैं स्टेक होल्डर्स ने उनकी इंफॉर्मेशन नीड नहीं बदल रही बदल रही यहां पे क्या होता है कि पॉलिटिकल सिस्टम बदला इकोनॉमिक सिस्टम बदला टेक्नोलॉजिकल सोशल कोई भी चेंजेस आएंगी तो डिसीजन मेकिंग नीड्स बदलेंगी डिफरेंट तरह से बिजनेस रन होगा नया लॉ आएगा तो बिजनेस रन डिफरेंट तरह से होगा नई टेक्नोलॉजी आएगी नई सोशल चेंजेस आएंगी तो डिफरेंट तरह से बिजनेस रन होगा तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है यहां पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग ठीक है यहां पे डीपर इंफॉर्मेशन चाहिए ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए ठीक है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने जिन्होंने आई एस वन पढ़ा हुआ है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन ठीक है आप ऑप्शन कॉस्टिंग बता रहा हूं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन वहां पे दो ऑप्शन है फाइनेंशियल स्टैंड बनाने की नेचर ऑफ एक्सपेंस मैथड एंड फंक्शन ऑफ एक्सपेंस मैथड फंक्शन ऑफ एक्सपेंस बस ये दो से किसी भी तरह से आप बना सकते हैं फैसला स्टेटमेंट चाहे तो नेचर ऑफ एक्सपेंस के मुताबिक बनाए चाहे तो फंक्शन बिहेवियर बिहेवियर ऑफ एक्सपेंस की जरूरत नहीं है लेकिन मैनेजर्स को बिजनेस मैनेज करने के लिए कॉस्ट बिहेवियर का भी पता होना चाहिए तो एब्जॉर्बन कॉस्टिंग जो है वो एक्सटर्नल रिपोर्टिंग है वहां पे यूज होती है वहां पे हमें बिहेवियर की जरूरत नहीं है इसलिए हमने फिक्स्ड और वेरिएबल को सेग्रीगेट नहीं किया जो फिक्स प्रोडक्शन से रिलेटेड कास्ट थी वो भी प्रोडक्शन को चार्ज कर दी जो वेरिएबल प्रोडक्शन से रिलेटेड कास्ट थी वो भी प्रोडक्शन को चार्ज कर दी लेकिन मार्जल कॉस्टिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मार्जल कॉस्टिंग यूज होती है जो कि सुपीरियर है कॉस्टिंग से फॉर मैनेजिंग बिजनेस ऑपरेशंस जहां पे हमें वेरिएबल कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट से अलग रखना है तो हमने वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को अलग किया और फिक्स को हमने प्रोडक्शन को चार्ज नहीं किया फिक्स को हम अलग चार्ज करेंगे तो एक्सटर्नल रिपोर्टिंग में आप इस तरह से रिपोर्टिंग बनाते हैं इस तरह से फॉर्मेट बनाते हैं ये क्वेश्चन था कि जी ये फॉर्मेट डिफरेंट क्यों है ये एक्सटर्नल रिपोर्टिंग में यूज होता है जी ये फॉर्मेट ठीक है तो ये ज़्यादा डिटेल से आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ है मैं थोड़ा सा शॉर्ट यहाँ पे बता रहा हूँ ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस आप माइनस करते हैं फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक है जी तो ये आपको पता होना चाहिए जो है जो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो इंटरनल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटरनल स्टेक होल्डर्स बिजनेस मैनेजर्स के लिए ठीक है ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज फॉर इंटरनल स्टेक होल्डर्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज फॉर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स मार्जल कॉस्टिंग में थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा मार्जर कॉस्टिंग में हम नेचर और फंक्शन से आगे जाएंगे बिहेवियर की तरफ तो सेल से पहले हम माइनस करते हैं सारे वेरिएबल एक्सपेंसेस चाहे वो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है चाहे वो वेरिएबल सेलिंग है एडमिन है, ठीक है यहां पे आ जाएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन कंट्रीब्यूशन मार्जिन ठीक है और इससे फिक्स एक्सपेंसेस हम माइनस करेंगे कोशिश किया करें कि इसमें आप टॉपिक के से बहुत ज्यादा दूर ना जाया करें तो आप क्वेश्चन करते हैं तो मुझे फिर जाहिर है वो चीजें एक्सप्लेन करनी होती हैं तो क्या हमने सीखा है ये हमने कल भी सीख लिया था ठीक है जी ये अबाउट फोर्टी फाइव मिनट्स हो गए हमने कल वाली चीजें रिवाइज की हैं अभी कुछ देर पंद्रह मिनट तकरीबन हम और भी वही रिवाइज करेंगे फिर हम आगे मूव करेंगे जाहिर है ये एक दो क्लासेस में ऐसा होगा उसके बाद जो है हम बहुत कम ऐसा होगा कि जी पुरानी चीजें रिवाइज करें क्योंकि तो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलना शुरू हो जाएंगे सीबीपी एनालिसिस कास्ट बिहेवियर को हमने डिटेल से देख लिया रिलेवेंट रेंज ठीक है इसकी जम्शन की अहमियत हमने देख ली एबजॉर्पन कॉस्टिंग मॉडल कॉस्टिंग आपके कोर्स में नहीं है ये बेसिक कोर्स में है लेकिन क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए तो मैंने जितना मुमकिन है आपको रिवाइज करवा दिया है ठीक है अब हम सी बी पी एनालिस तरफ जाएंगे सी बी पी एनालिसिस तो ये आपके कोर्स में बकायदा अभी हम डिस्कशन शुरू कर रहे हैं में रेंज वगैरह दायर है आप आ, कोर्स का हिस्सा ही है और जो जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स से मैं मिलता हूँ मुझे थोड़ा सा फीडबैक मिलता मिलना शुरू हो जाता है कि जी क्यों स्टूडेंट्स फेल होते हैं लास्ट टेन ईयर से मैं पढ़ा रहा हूँ तो जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं जो नोम सब्जेक्ट्स हैं उसमें स्टूडेंट के फेलियर की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वो चैप्टर नहीं पढ़ते और डायरेक्ट डायरेक्ट प्रैक्टिस करते हैं ठीक है अब प्रैक्टिस का क्या मतलब होता है कि आप मश्क कर रहे हैं ना आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है सपोज हम अल्लाह करे हम अच्छे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम मुसलमान हो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का मतलब है कि वो नमाज को प्रैक्टिस कर रहा है रोजा रखता है ठीक है प्रैक्टिस करता है रोजा रोजा रखने का मतलब है रोजे के कांसेप्ट को प्रैक्टिस कर रहा है ठीक है इसी तरह से हज और zakat है ठीक है अल्लाह तला पे ईमान है तो ये चीजें हम प्रैक्टिस तभी कर सकते हैं ना जब हमें कन्सेप्ट होगा अगर हमें नमाज का कन्सेप्ट नहीं है तो हम नमाज की अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर सकते ठीक है जितना बेहतर हम नमाज को समझेंगे उतना ही हम उससे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं जितना बेहतर हमें रोजे के कन्सेप्ट का पता होगा कुर्बानी के कन्सेप्ट का पता होगा उतना बेहतर ही हम उससे फ़ायदा उठा सकेंगे अगर हमें नमाज का पता ही नहीं है कि हम अल्लाह तला का हुक्म मार रहे हैं अल्लाह क्या से आ, आ, मतलब आ, एक एक यह है बेसिकली के इजहार एक चीज का हम करते हैं हर नमाज में अल्लाह ताला से कि हम तेरे से ही हालत मांगते हैं ठीक है जी तेरे ही आगे झुकते हैं तो कन्सेप्ट अगर क्लियर हो तो ज्यादा फायदा होगा ठीक है तो अगर हम कन्सेप्ट के बगैर ही प्रैक्टिस शुरू कर दें तो कोई फायदा नहीं है ठीक है जी आ, दीन से मैं थोड़ा सा मैं जनरल इसकी एकेडमिक्स की खास तौर पर बात कर रहा हूँ कि अगर हम कन्सेप्ट सीवीपी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ब्रेक इवन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया फार्मूले याद करके तो उसका कोई फायदा नहीं है वो फेल हो जाएगा स्टूडेंट तो ये सबसे बड़ा स्टूडेंट स्टूडेंट करते हैं से पूछते हैं है। नहीं सर चैप्टर नहीं पढ़ते हम प्रैक्टिस करते हैं ये तो प्रैक्टिकल ये तो प्रैक्टिस से रिलेटेड जो है ये सब्जेक्ट है तो सबसे पहली चीज जो आपने करनी है वो चैप्टर रीडिंग करनी है चैप्टर रीडिंग में आपको कोई चीज समझ नहीं आई कोई वर्ड समझ नहीं आया कोई पैराग्राफ समझ नहीं आया आप मुझे बताएंगे सर ये पैराग्राफ

ठीक है तो एट बी पी क्या होगा क्या डेफिनेशन है बीपी की एक्टिविटी लेवल एट विच देयर इज नो प्रॉफिट और लॉस एट बीपी प्रॉफिट और लॉस इक्वल्स टू जीरो तो ये ये जो चीज है ये ये चीज जीरो है बीपी पे ये चीज जीरो है ये चीज जीरो कब होगी जब कंट्रीब्यूशन मार्जिन और फिक्स कॉस्ट बराबर होंगे अगर ये फाइव मिलियन है कंट्रीब्यूशन मार्जिन फिक्स कास्ट भी भी फाइव मिलियन होंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जीरो होगा ठीक है जो? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है प्रॉफिट और लॉस कैसे निकलेगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन माइनस फिक्स्ड एक्सपेंसेस या कॉस्ट कह लें आपको दोनों पीरियड कॉस्ट है ना पीरियड कॉस्ट और एक्सपेंस में तो कोई फर्क नहीं पीरियड कॉस्ट ये भी एक्सपेंस में जाएगी इक्वल टू जीरो तो सीएम में से फिक्स एक्सपेंस माइनस किया तो प्रॉफिट आ गया तो प्रॉफिट बराबर होता है ना सीएम माइनस फिक्स एक्सपेंस तो हमने प्रॉफिट की जगह पे सीएम माइनस फिक्स एक्सपेंस लिख दिया अब सीएम टोटल सीएम कैसे निकलेगा बीपी सेल्स यूनिट्स बीपी यूनिट्स तो बीपी पे इतने यूनिट सेल होंगे हर यूनिट का ये सीएम है तो ये टोटल सीएम आ जाएगा बीपी पे इसमें फिक्स एक्सपेंस माइनस हो गया ठीक है तो ये ये सीएम कैसे निकलता है जो सीएम का मैंने बताया फार्मूला लिख दिया ठीक है जो सीएम की जगह पे हमने उसका फार्मूला लिख दिया इसके बाद इसको सॉल्व कर लें सिंपल तो बीपी इक्वल्स टू बीपी की जगह पे आप लिख देंगे यहां पे तो बीपी इक्वल्स टू इसको सॉल्व कर लें फिक्स फिक्स एक्सपेंसिस उस तरफ चला जाएगा जी फिक्स एक्सपेंसिस फिक्स एक्सपेंस डि सी एम पर यूनिट तो ये आपके पास फार्मूला है ठीक तो बी पी का ये याद नहीं किया आपने सिंपल कॉन्सेप्ट से इसको ड्राइव किया हमने कि बी पी वो पॉइंट है जहां पर प्रॉफिट और लॉस जीरो होगा उस पॉइंट को सामने रखते हुए हमने ये डिस्कशन इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैंने थोड़ा सा सिखाया था कल आपको कि ये जी हमारे पास फिक्स कॉस्ट है स्ट्रेट लाइन ठीक है फिक्स कॉस्ट अभी हमने सीखा फिक्स फिक्स कास्ट चेंज नहीं होती विद चेंज इन एक्टिविटी लेवल फिक्स कॉस्ट स्ट्रेट लाइन लगा दी अब ग्राफ में ऐड करने का तरीका ये होता है कि जब हमने एक वेरिएबल को दूसरे में ऐड करना है तो उसके ऊपर ड्रा करते हैं ये वेरिएबल कॉस्ट को हम फिक्स कॉस्ट के ऊपर ड्रा करें तो ये फिक्स कॉस्ट प्लस हुई है ना वेरिएबल कॉस्ट में ये टोटल कॉस्ट है अब इन दोनों में जो डिस्टेंस है दैट इज वेरिएबल कॉस्ट स्ट्रेट लाइंस लगा रहे हैं हम क्योंकि हम इस चीज को रेलेवेंट रेंज को सामने रखते हुए ये ठीक है जमशन को सामने रखना है आपने अब ये स्ट्रेट लाइन आप रेवेन्यू की लगा रहे हैं रेवेन्यू की स्लोप ज्यादा है क्योंकि आमतौर पर सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से ज्यादा होती तो ये ग्राफ में जहां पे लाइंस कट कर रही हो वो वेरिएबल इक्वल हो रहे होते तो कास्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू तो ये बीपी है बीपी बीपी यूनिट्स हैं जहां पे आप इसको एक्स एक्सिस पे ग्राअल है तो ये कितने यूनिट्स हैं ये बीपी यूनिट्स हैं ठीक है और कितने रुपए हैं ये रुपए यहाँ पे मेजर हुए हुए हैं कॉस्ट रेवेन्यूज तो कितने रुपए पे बीपी होगा ये बीपी रुपए ये कहलाता है कन्वेंशनल कन्वेंशनल बीपी चार्ट ठीक है तो इसके बाद हमने सीखा था एक फार्मूला अब मैं सिर्फ फार्मूला लिख रहा हूँ जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन की थी वो उसकी डेरिवेशन जो है वो लास्ट लेक्चर की मैंने शेयर की हुई है व्हाट्सएप ग्रुप में आप देख सकते हैं तो बीपी ये यूनिट्स हैं बीपी यूनिट्स इस फार्मूले से निकलेंगे बीपी रुपीस के लिए हमने सीखा था इक्वल्स टू फिक्स एक्सपेंस ओवर सी एम रेशो ठीक है फिर हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि सी एम रेशो और वेरिएबल कॉस्ट रेशो का सम जो है वो हंड्रेड परसेंट होता है हंड्रेड परसेंट इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशो वेरिएबल एक्सपेंस है बेसिकली ये ठीक है और प्लस सी एम रेशो अगर एक आपको पता हो तो दूसरी आप हंड्रेड में से माइनस करके आसानी से निकाल सकते हैं तो तीन चीजें हमने और तीन फार्मूले लास्ट लेक्चर में सीख लिए थे क्वेश्चन अगर आप इनमें से करना चाहें तो ये कर सकते हैं मैं फिलहाल ये बस फार्मूले जो हमने कल डिस्कस किए थे वो लिख दू उसके बाद आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं ठीक है फिर हमने एक टारगेट टारगेट सेल्स यूनिट्स पढ़े थे ठीक है तो वो बिल्कुल इसी तरह से फिक्स एक्सपेंस यहां पे देखे ना बीपी के लिए हमने सिर्फ फिक्स एक्सपेंस को कवर करना है हमें इतना सीएम चाहिए कि जितना फिक्स एक्सपेंस है तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा अगर हमें प्रॉफिट चाहिए सपोज अगर ये फाइव मिलियन है टू मिलियन हमें प्रॉफिट चाहिए तो हमें सी एम मिलियन चाहिए ठीक है सेवन मिलियन चाहिए ताकि ये माइनस हो के टू मिलियन वाला प्रॉफिट बच जाए तो टारगेट सेल्स का मतलब होता है कि सेल्स टू अर्न दिस प्रॉफिट ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें कितना सीएम चाहिए प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट तो यहां टारगेट प्रॉफिट वाले फार्मूलो में नोमिनेटर में फिक्स कॉस्ट के साथ हम ऐड करेंगे प्रॉफिट टारगेट प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट ठीक है ये हमने डिस्कस किया था मैं रिवाइज करता हूं जो थोड़ी सी चीजें जो आप पूछ रहे हैं नेक्स्ट हमने एक फार्मूला डिस्कस किया था टारगेट सेल्स यूनिट्स का सॉरी तो रुपीस का कितने रुपये की सेल करेंगे तो टारगेट प्रॉफिट मिलेगा टारगेट प्रॉफिट प्लस फिक्स कास्ट रुपीस में आ जाए तो यहाँ पे सी एम रेशो हमने ड्राइव किया था ठीक है फिर हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो और एक और आइडेंटिटी सीखी थी कल ठीक है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है कि आप बीपी से कितनी ज्यादा सेल करें तो एक्चुअल सेल्स माइनस बीपी सेल्स ठीक है तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो क्या होती है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी को आप डिवाइड कर देते हैं सेल से मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो आपके पास आ जाती है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो इक्वल्स टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला मैंने ऊपर लिख दिया ठीक है जिसको सेल सही से डिवाइड कर दें ठीक है एक और आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी ये मैं क्वेश्चन अभी ये सारे फार्मूले जाए हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज्यादा क्लियर आपको मैं फिगर्स के साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा चीजें ठीक है हंड्रेड परसेंट इक्वल्स टू ये हमने कल एक आइडेंटिटी सीखी थी तो ये एक सारे फार्मूले हमने जो अभी तक मैं लिख रहा हूं ये कल हमने डिस्कस किए थे इसको भी मैं थोड़ा सा अभी प्रैक्टिस करते हैं तो जितना मुमकिन है मैं इंशाला रिवाइज करता हूँ हंड्रेड परसेंट इक्वल टू बी पी टू सेल्स रेशो प्लस मार्जिन ऑफ ये भी हमने कल ड्राइव किया था फार्मूला मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो तो यहाँ तक हमारी कल की डिस्कशन थी थोड़ा सा हमने प्रैक्टिस किया था तो फर्दर हम चीज़ें आज हम कोशिश करते हैं जी कि यहाँ तक जो है इसको इन चीज़ों को हम प्रैक्टिस कर लें और जो है जितना मुमकिन हो सका हम इसको डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे ठीक है तो यहाँ तक अगर इसमें जाहिर अभी हम प्रैक्टिस करते हैं उम्मीद है कि आपको बेहतर इसमें समझ आना शुरू हो जाएगी और अगर क्वेश्चन करते हुए आपको चीज समझ नहीं आती तो वो आप साथ साथ मेरे से क्वेश्चनिंग करते जाएंगे अभी आज के दिन मैं बेसिक कैलकुलेशन आपको सिखाऊंगा और आगे एक दो लेक्चर्स में इनशाला फिर हम एडवांस कैलकुलेशन की तरफ जो है वो मूव करेंगे ठीक है तो अभी ये जो क्वेश्चन अभी मैं आपको करवाने लगा हूँ जी ये ये क्वेश्चन आपके सामने 6.7 है है ये ये सॉरी नोरिन की बुक है, उसमें क्वेश्चन है चैप्टर चै का इसमें देखें जी सिंपल सा क्वेश्चन है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आप करवा रहा हूँ कह रहे हैं जी एम प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट सिंगल प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट ये कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वुवन बास्केट उसकी सेलिंग प्राइस वो बता रहे हैं जी फिफ्टीन डॉलर्स हैं हम रुपीज में इसको डील करेंगे जी एंड रूल्स वेरिएबल एक्सपेंसिस आर ट्वेल्व पर यूनिट सेलिंग प्राइस फिफ्टीन है वेरिएबल एक्सपेंसिस ट्वेल्व इसमें सारे वेरिएबल एक्सपेंस शामिल हैं मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग दोनों ठीक है तो हर यूनिट से ये तीन डॉलर का हम तीन रुपए का हम बात करेंगे थ्री रुपीज का ये सी एम अन करें सी एम क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ठीक है जो सी एम पर यूनिट आ जाता है और फिक्स एक्सपेंसिस क्या है कंपनी के फोर्टी टू हंड्रेड ठीक है एक यूनिट सेल करने से कितने रुपए सीएम है थ्री रुपीज तो कितना सीएम चाहिए बीपी के लिए ठीक है तो इसको डिवाइड कर देंगे सिंपल यहां पे देखें सॉल्व द कंपनीज बीपी इन यूनिट सेल्स यूजिंग द इक्वेशन मेथड ठीक है तो इक्वेशन मेथड से भी हम कर सकते हैं डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं सेकंड में कह रहे हैं सॉल्व द कंपनीज बीपी इन सेल्स डॉलर्स यूजिंग इक्वेशन मेथड और थ्री और फोर में कह रहे हैं कि आप बीपी यूनिट्स निकालें और सेल्स निकालें यूजिंग फार्मूला मेथड तो खैर ये आपको बाउंड नहीं कर सकते एग्जाम्स में कि कौन से मेथड से आप करें ठीक है एनी मेथड यू कैन यूज इक्वेशन मेथड भी कर सकते हैं और चाहे तो फार्मूला मेथड भी कर सकते हैं क्योंकि ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग है फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो स्टैंडर्ड है ना हर चीज का स्टैंडर्ड क्यों है हर साल एक ही दफा हर साल एक ही तरह की चीज बननी है ना तो हर साल एक ही तरह की चीज बननी हो तो आप स्टैंडर्ड बना सकते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कोई भी हर चीज एक तरह की नहीं है आप अपनी मर्जी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फॉर्मेट वगैरह कोई स्टैंडर्ड नहीं है ठीक है तो इक्वेशन से करें चाहे फार्मूला से करें तो खेरे यहाँ पे हम दोनों तरह से कर लेते हैं तो फर्स्ट इसका हिस्सा है कि जी हम इक्वेशन मेथड से इक्वेशन मेथड क्या है कि बीपी यूनिट्स अभी जो मैं इक्वेशन से ड्राइव कर रहा था अगर हम इतने यूनिट सेल करें तो हर यूनिट का सीएम जो है सीएम पर यूनिट है मल्टीप्लाई करेंगे ये टोटल सीएम आ जाएगा सीएम में से फिक्स एक्सपेंसिस माइनस करेंगे तो बीपी निकालना है ना द बीपी यूनिट्स है तो इसका मतलब है यहाँ पे जीरो आ जाएगा प्रॉफिट जीरो आ जाएगा तो ये क्वेश्चन मेथड है तो बीपी कितना है ये क्वेश्चन मार्क है बीपी यूनिट्स सीएम पर यूनिट कितना है 15 12 ₹ पर यूनिट और फिक्स्ड एक्सपेंसेस इधर ही आप फिलहाल लिख लें फोर्टी टू हंड्रेड ये रुपीज हैं जी हमारे पास इक्व टू तो जीरो तो बी आपके पास आ जाएगा जी बी पी यूनिट इक्व तो टू फोर्टी टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई थ्री तो वही चीज है फार्मूला उससे निकाल लें फार्मूला से निकाल लें जा जाए ऐसे तो ये फोर्टीन हंड्रेड यूनिट्स आ जाएंगे फोर्टीन हंड्रेड यूनिट सेल करेंगे तो सी एम बयालीस हो जाएगा सी एम भी बयालीस सौ है उसमें नीचे एक्सपेंसिज माइनस हो होंगे फिक्स वो भी बयालीस सो तो प्रॉफिट जीरो आ जाएगा ठीक है इसी को मैं फार्मूला से करना चाहूँ फार्मूला मेथड से वो मैं इसके साथ ही कर देता हूं थर्ड रिक्वायरमेंट है तो बीपी यूनिट सामने सीखा हुआ है बराबर है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सी एम पर यूनिट फिक्स कॉस्ट इज फोर्टी टू हंड्रेड सी एम पर यूनिट इज थ्री रुपीज पर यूनिट तो वही फोरटीन हंड्रेड आ गया जी हमारे पास फोर्टीन हंड्रेड यूनिट होंगे तो ब्रेक ही बन होगा इसको मैं थोड़ा सा आपको टेक्निकली समझा देता हूँ चीज को देखें सीएम क्या होता है सेविंग्स है ना आपकी आपने एक यूनिट खरीदा पंद्रह का डिस्ट्रीब्यूटर है ना खरीदा पंद्रह का सॉरी खरीदा बारह का डिस्ट्रीब्यूशन है डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है ये खरीद के आप सेल कर देते हैं तो खरीदा बारह का सेल पंद्रह का कर रहे हैं ठीक है तो पंद्रह और बारह में जो फर्क है एक यूनिट सेल करेंगे तो पंद्रह रुपए का सेल किया बारह का खरीदा तीन रुपए का फायदा हो गया तो ये फायदा जो है ये सीएम है अब सी फायदा पहले यूज होगा फिक्स कास्ट को कवर करने के लिए जब फिक्स कास्ट कवर हो जाएंगी तो जीरो पे पहुंच जाएंगे आप उसके बाद आपका जो भी तीन रुपए है हर यूनिट के बाद हर यूनिट का तीन रुपए उसके बाद प्रॉफिट शुरू हो जाएगा तो जब तक आप बयालीस सौ रुपये कवर नहीं कर लेते हर यूनिट के तीन रुपये जो बचते हैं वो फिक्स कास्ट कवर करने में इस्तेमाल होंगे ठीक है जैसे ही आप बयालीसौ रुपये कवर कर लेंगे बी पी पे पहुंच जाएंगे उसके बाद हर यूनिट सेल होने से आपका तीन रुपये प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाएगा ठीक तो है ये सीएम का कंसेप्ट बेसिकली तो एक यूनिट का सीएम कितना है ये यूनिट्स हैं एक यूनिट आपको तीन रुपये बचा के दे रहा है आपने बीपी पे आने के लिए कितने रुपए बचाने हैं 4200 रुपीस बचाने हैं जी बीपी तक आने के लिए 4200 रुपीस बचेंगे तो 4200 की टू हंड्रेड कवर होगी फिर आप बीपी पे पहुंचेंगे तो एक तीन रुपए बचाने के लिए एक यूनिट सेल करते हैं तो बयालीसौ रुपए बचाने के लिए कितना यूनिट सेल करेंगे तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्स इक्वल टू फोर्टी टू हंड्रेडेड बाय थ्री फिक्स कास्ट डिड बाय सी एम पर यूनिट तो फोर्टीन हंड्रेड यूनिट आपको सेल करने पड़ेंगे टू कवर फिक्स कॉस्ट ठीक है तो ये सिंपल ये कॉन्सेप्ट है बीपी का फिर आपसे बीपी पी रुपीज पूछ रहे हैं तो बीपी रुपीज सिंपल क्या होता है कि बीपी यूनिट्स को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें ठीक है मतलब आप फोर्टीन हंड्रेड को अगर फिफ्टीन से मल्टीप्लाई कर दें देखें जी आपके पास क्या आंसर आता है फोर्टीन हंड्रेड एक मैं ये कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर दू फोर्टीन हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय फोर्टीन हंड्रेड यूनिट्स है ना तो 1400 यूनिट्स को आप मल्टीप्लाई कर दें 15 से तो ये बनता है जी हमारे पास 21000 वन तो हम देखेंगे बीपी रुपीज हमारे पास 21000 वन थोजन रहेगा कंसेप्ट क्या है कि कितने रुपए की सेल आपने करनी है ठीक तो सेकेंड रिक्वायरमेंट है कि आप रुपीज में निकालें तो बी पी रुपीज कह रहे निकालें बी पी रुपीज माइनस तो ये बी रुपीज है, है ना बीपी रेवेन्यू है माइनस तो ये रेवेन्यू में से वेरिएबल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो सीएम आ जाएगा वेरिएबल एक्सपेंसिस माइनस हो गए तो हमारे पास यहां पे जीरो बीपी पे जीरो आए अब बीपी रेवेन्यू कैसे निकलेगा ठीक है ये हमने निकालना है ये ये आप एज इट इज लिख लेंगे बीपी रुपीज ठीक है तो फिक्स्ड फिक्स्ड हमारे पास अब भी पी रुपीज़ आप इसको आ, फिक्स एक्सपेंसेस आप देख लें फिक्स एक्सपेंसेस कितने हैं अब ये फिक्स एक्सपेंसेस डिपेंड करेंगे कि जी कितने यूनिट्स आप बना रहे हैं ठीक है तो यूनिट्स बी पी यूनिट्स आपने निकाल ली हैं तो फोर्टीन हंड्रेड यूनिट्स आप बना रहे हैं हर यूनिट की कितनी कॉस्ट है ट्वेल्व रुपीज़ पर यूनिट ठीक है और ये हमारे पास यूनिट्स हैं इक्वेशन मेथड से आप इस तरह से माइनस फिक्स एक्सपेंसेस फिक्स एक्सपेंसेस आपको क्वेश्चन में गिवन है इक्वेशन मेथड में सिंपल आप इसको देख लेंगे तो बी पी रुपीज इक्वल्स टू तो आप फोर्टीन हंड्रेड को मल्टीप्लाई करेंगे ट्वेल्व से तो ये बनता है जी हमारे पास सिक्सटीन थाउजेंड एट हंड्रेड तो ये भी उधर जाके ऐड हो जाएगा सिक्सटीन थाउजेंड एट हंड्रेड और दूसरी फिगर भी उधर जाके ऐड हो जाएगी फोर्टी टू हंड्रेड तो ये सिंपल ये आंसर है हमारे पास प्लस फोर्टी टू हंड्रेड तो ये हमने जो फिगर निकाली थी ट्वेंटी तो ये ट्वेंटी गया ठीक है तो इसको आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं ठीक है रुपीज ट्वेंटी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि आपने यूनिट्स को फोर्टीन हंड्रेड को मल्टीप्लाई कर देना है फिफ्टीन से ठीक है तो खैर वो इक्वेशन मेथड का कह रहे हैं इसलिए मैंने इक्वेशन मेथड से कर दी हूँ राइट और अगर वो डायरेक्ट के फार्मूले से कह रहे हैं फार्मूला इसका क्या है बीपी रुपीस का कि कितने रुपए की सेल करनी पड़ेगी तो बीपी रुपीस तो इसका फार्मूला देख लेते हैं इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीएम रेशो सीएम रेशो क्या होती है सीएम एम बाय सेल्स फिक्स कॉस्ट कितनी है फोर्टी टू हंड्रेड सी एम रेशो ये आ गया CM को सेल से 15 से से दोबारा डिवाइड कर दिया ठीक है फेस तो तो आप, आप आ, आ, नहीं करेंगे एग्जाम में लेकिन जस्ट टू प्रैक्टिस एक स्टार्टिंग क्वेश्चन हमें एक एक प्रैक्टिस करना पड़ेगा हर फार्मूला के लिए उसके बाद हम जाहिर है टफ की तरफ हमने आना है जो बुक्स आपको बताई है मैंने उसमें Uh, जो स्कैफ एट की बुक है जो कॉल की बुक है उसमें अच्छे खासे टफ क्वेश्चन हैं, जो हम सॉल्व करेंगे यहां तक कोई क्वेश्चन है तो जी पूछ सकते हैं आप एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहेंगे ट्वेंटी वन थाउजेंड किस तरह से आ रहा है फोर्टीन हंड्रेड किस तरह से आ रहा है इट्स वेरी सिंपल लेकिन जी इसमें थर्ड क्वेश्चन आप एक ग्राफ का क्वेश्चन है ये ग्राफ में अक्सर स्टूडेंट जो है वो परेशान हो जाते हैं तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए चूज किया है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहां से आपकी इम्प्रूव करेगी कॉस बिहेवियर के हवाले से भी और तो यहाँ पे देखें जी 6.2 है ये गैरिजन और नोरिन जो बुक है थर्टींथ एडिशन आपको फॉरवर्ड किया उसका ये सेकेंड क्वेश्चन है कह रहे हैं जी के इंटरप्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट अ सिंगल प्रोडक्ट देखिए इंटरप्रटेशन बीपी की इंटरप्रटेशन ये कह रहे हैं जी बता दें बहुत आसान है बीपी की इंटरप्रटेशन है कि 1400 हंड्रेड यूनिट जब हम बना के सेल कर देंगे ना तो 1400 हंड्रेड यूनिट से हमें कितना सीएम मिलेगा हर यूनिट का सीएम कितना है थ्री रुपीस. तो 1400 हंड्रेड का सीएम कितना है 4200 तो सीएम भी 4200 है. CMA से फिक्स तो प्रॉफिट लॉस जीरो आ जाता है तो ये भी फोर्टी टू हंड्रेड यूनिट सेल करने से ब्रेक ही लॉस नहीं होगा हर यूनिट से कितना रेवेन्यू आता है फिफ्टीन रुपीज का तो फोर्टीन हंड्रेड को फिफ्टीन से मल्टीप्लाई कर दें इक्कीस हजार का रेवेन्यू अर्न करेंगे तो कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा तो ये सिंपल इंटरप्रिटेशन है बीपी रुपीज की और बीपी यूनिट्स की बीपी रुपीज हमें बताते हैं कि कितने रुपए का रेवेन्यू अर्न करेंगे तो प्रॉफिट और लॉस जीरो होगा बीपी यूनिट्स हमें बताते हैं कि कितने यूनिट सेल होंगे तो प्रॉफिट और लॉस जीरो होगा ठीक है तो, तो वापिस आते हैं जी इस क्वेश्चन की तरफ आ, के इंटरप्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट सिंगल प्रोडक्ट एक ही प्रोडक्ट कह रहे हैं जी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिसकी सेलिंग प्राइस ट्वेंटी फोर है और वेरिएबल uh, एक्सपेंस इसका एटीन पर यूनिट है 6 रुपीज इसका CM पर यूनिट है ठीक है तो ये सेलिंग प्राइस है ये और एटीन पर यूनिट जो है ये वेरिएबल कॉस्ट है तो कंपनीज कॉस्ट ठीक है जी मंथली फिक्स कॉस्ट है मंथली यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल करना होता है आपने अगर वो मंथली पूछ रहे हैं तो मंथली के साथ एनअल पूछ रहे हैं तो इसको हंड्रेड को फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे ट्वेल्व से ठीक है तो कह रहे हैं सी बी पी कास्ट वॉल्यूम प्रॉफिट ग्राफ बनाए फॉर द कॉम्पनी अप टू आ सेल ऑफ एट थाउजेंड यूनिट तो सीवीपी ग्राफ पूछ रहे हैं हमसे ठीक है तो हमने सीवीपी ग्राफ सीखा हुआ है जो भी हमने को नेशनल चार्ट सीखा था अब ये डेटा के साथ कैसे बनाना है ठीक है वो हम सीखते हैं फिर वो कह रहे हैं एस्टिमेट द कंपनी बीपी इन यूनिट सेल्स यूजिंग द ग्राफ ग्राफ से कह रहे हैं बीपी वगैरह निकालें जो यूनिट्स का बीपी कह रहे हैं निकालें तो बीपी में हमने देखा था कि फिक्स कास्ट की एक लाइन है एक टोटल कॉस्ट की लाइन है ठीक है और एक सेल्स की लाइन है तो हम यहां पे सारी चीजें डिपेंड कर रही हैं यूनिट्स पे तो यूनिट्स हैं ठीक है जी यूनिट्स यहां पे लिख देंगे हम सेल्स ठीक है यहां पे लिखेंगे जी वैर, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट ठीक है तो सेल्स कैसे निकालेंगे सेल्स सिंपल है कि यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे सेलिंग प्राइस से टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे बहुत ईजी है यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से ठीक है टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे फिक्स कॉस्ट को ट्वेंटी फोर थाउजेंड को एड कर देंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट में सिंपल ठीक है तो ये हमारे पास सर्टेन रोज बन जाएंगी ठीक है तो ये हम कॉलम्स बना लेते हैं साथ हम पहले जी ज्यूम कर लेते हैं जी अगर हम टू थाउजेंड यूनिट्स बनाते हैं फोर हैं, हैं और एट थाउजेंड तक वो कह रहे हैं आप बना दें अगर हम टू थाउजेंड यूनिट्स बनाए तो सेलिंग प्राइस कितनी है जी ट्वेंटी फोर टू थाउजेंड को मल्टीप्लाई कर देंगे ट्वेंटी फोर से इट इज फोर्टी एट थाउजेंड तो यहाँ पे फोर्टी एट थाउजेंड आ जाएगा यहाँ पे नाइनटी सिक्स थाउजेंड आ जाएगा ठीक है जा? और यहाँ पे वन फोर्टी फोर आ जाएगा ठीक है तो इसमें फर्दर आप एट से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे हमारे पास वन नाइन टू थाउजेंड आ जाता है ठीक है सिंपल क्या किया हमने यूनिट्स यूनिट्स को युनिट्स को दो हजार किया ट्वेंटी फोर से यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दिया सेलिंग प्राइस से सेल्स आ गई ये सबको क्लियर होना चाहिए ये रुपीज में टोटल वेरिएबल कॉस्ट यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से तो 18 2000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से तो ये 36000 बनता है ठीक है जी तो 36000 72000 ठीक है देन 108000 एंड 144, तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई लेकिन हमें टोटल कॉस्ट चाहिए तो थर्टी सिक्स थाउजेंड में ट्वेंटी फोर थाउजेंड ऐड कर देंगे ये सिक्सटी थाउजेंड बन जाएगा ट्वेंटी फोर थाउजेंड यहाँ पे ऐड करेंगे ठीक है तो नाइनटी सिक्स थाउजेंड बन जाएगा फिर यहाँ पे आप देखें आप देखें ना नाइन्टी सिक्स थाउजेंड पे सेल्स और कॉस्ट

कोशिश करूंगा कि मैं स्ट्रेट लाइन लगा दूं लेकिन ये बिल्कुल एक्यूरेट आप ग्राफ पेपर पे पर पर बना सकते हैं एनीवे वे जीरो टू थाउजेंड ये यूनिट्स हैं ये हमारे पास फोर थाउजेंड तो यूनिट्स पे डिपेंड कर रहा है यूनिट्स जो तो हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं ये यूनिट्स हैं और फिक्स कॉस्ट जो है अब अब हम यहाँ पे बना लेते हैं जो हमने बेसिकली तकरीबन टू हंड्रेड थाउजेंड तक जाना है ये वन नाइनटी टू है ना मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू तो जीरो ही है तो हम फोर्टी थाउजेंड के डिफरेंस से इसको बना लेते हैं फोर्टी थाउजेंड एक्स एक्सिस का स्केल वाई एक्सिस का स्केल डिफरेंट हो सकता है यहाँ पे एटी थाउजेंड आ जाएगा वन ट्वेंटी थाउजेंड उज एंड टू हंड्रेड थाउजेंड तो आप सिंपल आप ग्राफ बना लें तो कोई भी एक्टिविटी लेवल हो फिक्स कास्ट कितनी है ट्वेंटी फोर थाउजेंड तो यहाँ पे हम ये फिक्स कास्ट हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं जी कि ये हमारी फिक्स कास्ट है ये ट्वेंटी फोर था स्ट्रेट लाइन ठीक है ट्वेंटी फोर थाउजेंड पे आप रफली एक हमने स्ट्रेट लाइन लगा दी कि जी हमारी फिक्स कास्ट जो है वो इतनी रहेगी ये फिक्स कास्ट की लाइन है टोटल कॉस्ट कितनी है अब जीरो पे तो जीरो ही है टू थाउजेंड पे टोटल कितनी है? आप देख रहे हैं यहाँ पे थाउजेंड है तो ये हमने आप देख सकते हैं कि जी फोर थाउजेंड पेउजेंड है तो नाइनटी सिक्स थाउजेंड आप रफली एक लाइन यहाँ पे हमने इसको डॉट लगा दिया ठीक है जी इसके बाद 6, जो है उस पे वन थर्टी टू थाउजेंड है तो वन ट्वेंटी थाउजेंड से ऊपर हमने रफली एक डॉट लगा दिया इधर ठीक है तो इसके बाद एट थाउजेंड पे ये, आ, हमारे पास वैल्यू आ रही है ये वन नाइनटी वन सिक्सटी एट थाउजेंड सॉरी तो वन सिक्सटी एट थाउजेंड ये वन सिक्सटी थाउजेंड थो से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे हमारा ये तो ये टोटल कॉस्ट है टोटल कॉस्ट का टोटल कॉस्ट को आपने ये डॉट्स लगाए ना टो, टोटल कॉस्ट की ये एक लाइन आप लगा देंगे ठीक है जी जो इन पॉइंट्स को कनेक्ट करेगी ड्राइंग मेरी बिल्कुल जो है वो ऐसी है लाइक आप इनको कनेक्ट करेंगे ये पॉइंट जो है इसको थोड़ा सा हम बोल्ड कर देते हैं ताकि लाइन पे हमें शो हो ठीक है ये जी हमारे पास टोटल कॉस्ट की एक लाइन है एट थाउजेंड टोटल कॉस्ट है रेवेन्यू जो है रेवेन्यू की भी आप पॉइंट स्टार कर देंगे रेवेन्यू आप देखें कि हमारे पास फोर्टी एट हो तो टू थाउजेंड पे फोर्टी एटन की एक लाइन आ गई ठीक है ऑलमोस्ट दिस पॉइंट इसके बाद फोर्टी एट के बाद नाइनटी सिक्स हो जानेटी सिक्स होजन का पॉइंट ही था ये भी तो ये नाइनटी सिक्स है इसके बाद वन फोर्टी फोर तो वन ट्वेंटी और वन सिक्सटी के मिड से थोड़ा सा ऊपर लाइक ये पॉइंट एंड देन वन नाइटी टू थाउजेंड आलमोस्ट टू हंड्रेड थोजेंड इससे थोड़ा सा कम जो है ठीक है ये तो ये हमारे पास एक लाइन बनेगी सेल्स रेवन्यू जीरो से शुरू होगा कोई यूनिट नहीं सेल हुआ तो जहरा सेल्स रेवन्यू जीरो है तो इधर आके ये लाइन कट कर करी है ठीक है ये रेवन्यू का एक तो स्केल से आप ये बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर ग्राफ बन जाएगा तो ये जो है यहाँ पे आके दोनों लाइनस कट कर रही है तो यहाँ पे वो कह रहे हैं ग्राफ के थ्रू बीपी यूनिट्स निकालें तो ग्राफ के थ्रू आप निकाल सकते हैं रुपीज में निकालेंगे तो ये रुपीज रुपीज का खैर उन्होंने पूछा नहीं तो ये बीपी है और ये हमारे पास बीपी यूनिट्स आ गए ठीक है तो ये प्रोसीजर आपको समझाना था मैंने कि पहले आप डेटा को यूज करके एक टेबल बना लेंगे डेटा टेबल जो ग्राफ बनाने में इस्तेमाल होगा देन यू कैन प्रिपेयर ग्राफ ठीक है एक और ग्राफ भी बनाया जाता है कई दफ़ा ग्राफ क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए स्टूडेंट ने छोड़ा होता है तो वो जा रहा है ये प्रोसीजर जिन्होंने बचपन में सही से नहीं सीखा क्योंकि ये बेसिक चीज़ है ये आप मैट्रिक या उससे पहले भी पढ़ते हैं कि इस तरह का डेटा जो अगर आ जाए तो उससे ग्राफ कैसे बनेंगे आजकल तो शायद ये बीपी जो है ओ ए लेवल्स पे तो है मेरा ख्याल अब मुझे या पता नहीं है कि ये जो डिफरेंट बोर्ड जो है इंटरमीडिएट वगैरह उनमें है या नहीं एनी वे तो थोड़ी बहुत ये सिंपल ग्राफ्स तो आपको आने चाहिए नहीं आ रहे तो ये आपको एक दफा एक आध क्वेश्चन आपने सॉल्व किया हो हो तो चीज़ रिवाइज जाती है देन पेपर में आप आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं राइट right? एक और क्वेश्चन है जी ये ग्राफ से रिलेटेड ही है ये थोड़ा सा डिफरेंट ग्राफ है इसको प्रॉफिट चार्ट भी बोलते हैं ये क्वेश्चन आपके सामने है जी, ये सिक्स पॉइंट थ्री प्रॉफिट ग्राफ कह रहे हैं जी बनाए प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ कहते हैं इसका प्रॉफिट एक डिपेंडेंट वेरिएबल है वॉल्यूम पे वो डिपेंड कर रहा होता है तो प्रॉफिट हम वाई एक्सिस पे बनाते हैं वॉल्यूम हम एक्स एक्सिस पे बना लेते हैं प्रॉफिट ग्राफ है जहां पे प्रॉफिट जीरो होगा वो बीपी है ठीक है जी तो वो कह रहे हैं जी प्रॉफिट ग्राफ बनाएं जाहिर अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई इस चीज की पेपर में आ जाए कि प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ बनाएं और आप घबरा जाए कि यार ये तो प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ तो मैंने किया ही नहीं हुआ और सोचे ना कि यार ये क्या क्या रहे हैं प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ ही कह रहे हैं ना तो कुछ और तो नहीं कह रहे कि प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ सिंपल सारों को पता होना चाहिए अगर नहीं भी किया हुआ प्रॉफिट और वॉल्यूम है तो प्रॉफिट जाहिर है डिपेंड करता है वॉल्यूम पे तो वॉल्यूम एक्स एक्सिस पे बनाने का कह रहे हैं प्रॉफिट वाई एक्सिस पे बनाने का कह रहे हैं तो कोई ऐसी साइंस नहीं है तो एग्जाम में ये प्रोफेशनल स्टडी है प्रोफेशनल स्टडी में जान के वो कुछ चीजें ऐसी एग्जाम में डाल देते हैं जो स्टूडेंट पैनिक करने वाले हैं वो उसको नहीं कर सकें जान के वो ऐसे डालता है क्योंकि वो प्रोफेशनलिज्म चाहते हैं ऐसे स्टूडेंट्स को आगे लेके जाना चाहते हैं जो पैनिक ना करें तो जाहिर है कोई ऐसी मुश्किल चीजें नहीं होती अगर आपने चीजें पढ़ी हुई अनलेस के आप पैनिक करें एग्जाम आसानी से क्लियर हो सकता है तो ये देखें क्वेश्चन कह रहे हैं जे इंटरप्राइजेज डिस्ट्रीब्यूट सिंगल प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस इज सिक्सटीन ठीक है प्रैक्टिस के बाद हमने पास पेपर भी देखने हैं पास पेपर जब प्रैक्टिस के बाद देखेंगे मुकम्मल प्रैक्टिस के बाद तो आपको आसान लगेंगी चीजें इसमें वेरिएबल एक्सपेंस लगेंगीवन ठीक है अलेवन पर यूनिट और फिक्स कास्ट सिक्सटीन थाउजेंड ठीक है जी प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट बनाए फोर थाउजेंड यूनिट्स तक तो हम ग्राफ के लिए मिनिमम दो दो दो, दो नहीं सॉरी तीन पॉइंट्स चाहिए होते हैं क्योंकि कोई कर्व अगर हो फादे पर तो कर है आपने दो ही पॉइंट लिए हैं तो आप तो आप लाइन लगा देंगे ना तो मिनिमम पॉइंट्स चाहिए होते हैं ग्राफ ठीक के के तो है तो थ्री चाहिए होते हैं। लेकिन जितने उतनी ग्राफ की ज्यादा होती है। तो हम चार पॉइंट्स पे बना लेंगे इसको तो बहुत आसान है तो वन थाउजेंड टू थाउजेंड थ्री थाउजेंड एंड फोर थाउजेंड तो चार हजार तक था ही हमने बनाना है और प्रॉफिट का आप ये कैलकुलेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे सी एम माइनस फिक्स कॉस्ट सी एम कैसे निकालेंगे यूनिट्स मैं लिख देता हूं यूनिट्स इन टू सी एम पर यूनिट तो ये सीएम आ जाएगा उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा ठीक है जी तो ये जो ओवरऑल फार्मूला है तो हंड्रेड थाउजेंड है

यहाँ पे नेगेटिव सिक्स थाउजेंड रह जाएगा कर 15, में से 16, कर तो वन थाउजेंड आ जाएगा लॉस और फाइव टाइम्स फोर ट्वेंटी थाउजेंड में किया फोर थाउजेंड का प्रॉफिट आ गया आपके पास तो ये प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट के लिए ये डेटा एनफ है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी, भी तो इसको हम ग्राफ बना लेते हैं आप, देखें, नेगेटिव भी आ रही तो को आप नेगेटिव के लिए भी बनाएंगे और पॉजिटिव के लिए बनाएंगे तो ज्यादा नेगेटिव बड़ी वैल्यू है तो हम इस तरह से इसको ड्रा कर लेते हैं ये ओरिजन है यूनिट्स तो नेगेटिव नहीं हो सकते तो ये हमने पॉजिटिव यहाँ पे वन थाउजेंड यूनिट टू थाउजेंड यूनिट थ्री थाउजेंड एंड फोर थाउजेंड यूनिट तो हम देख रहे हैं वन थाउजेंड जीरो पे तो लॉस कितना है जीरो पे जीरो पे तो सारे का सारा लॉस ही है ना कोई सीएम नहीं है जीरो सीएम है तो सिक्सटीन थाउजेंड का लॉस है तो ने, नेगेटिव वैल्यू मैक्सिमम जो होगी वो सिक्सटीन थाउजेंड होगी ठीक है जी तो हम इसको सिक्सटीन थाउजेंड पे यहां से शुरू कर लेते हैं नेगेटिव सिक्सटीन थाउजेंड नेगेटिव ट्वेल्व थाउजेंड नेगेटिव हो थाउजेंड तो 0 पे ये ने हो थाउजेंड पे ये नेगेटिव ये पॉइंट है चाहिए थाउजेंड हो थाउजेंड के साथ हम इसको बना रहे हैं like this. ये ट्वेल्व थाउजेंड से थोड़ा सा ऊपर आएगा क्योंकि नेगेटिव अलेवन थाउजेंड जो है वो नगेटिव थाउजेंड से बड़ी वैल्यू है इसके बाद नेक्स्ट आप देखें टू थाउजेंड पे नेगेटिव सिक्स होजन है तो फोर और एट के यहाँ पे दरमियान में नेगेटिव सिक्स थाउजन हमने प्लॉट कर दिया थ्री थाउजेंड पे नेगेटिव वन थाउजेंड है ठीक है और फोर थाउजेंड पे नेगेटिव फोर थाउजेंड है ये तो इन्हें आप ला दें आपस में तो जहां पे ये क्रॉस कर रहा है प्रॉफिट कहां पे जीरो है यहां पे जीरो है ये कितने यूनिट्स हैं ये बीपी है तो ये बीपी यूनिट्स है ठीक है तो ये बीपी यूनिट्स आप ग्राफ में तो ये एक्जैक्टली नजर आ जाएंगे ठीक है जी और इसको अगर आप प्रॉपर कैलकुलेट कर लें सिक्सटीन तो थाउजेंड को डिवाइड करेंगे फाइव से तो एग्जैक्ट वैल्यू आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं तो फिफ्टीन सिक्सटीन थाउजेंड डिवाइडेड बाई फाइव तो ये थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड बनता है ठीक है तो ये जो ये जो पॉइंट है ये थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड यूनिट्स हैं ठीक है तो थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड यूनिट्स है जी बीपी यूनिट्स तो ये प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट है कौन सा चार्ट प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट अच्छा मैंने आपको बताया था कि सीवीपी रेशो को सी सी रेशो को भी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो कहते हैं ठीक है जी सी रेशो और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो इज द सेम थिंग ठीक है जी तो क्यों कहते हैं सीएम रेशो सीएम रेशो इक्वल्स टू प्रॉफिट वॉल्यूम पी वी रेशो क्योंकि जैसे जैसे आप यूनिट सेल करते हैं पर यूनिट सी को सामने रखते हुए आपका प्रॉफिट बढ़ता रहता है ठीक है अब आपका प्रॉफिट कितना है यहाँ पे अगर आप कुछ भी ना बनाए तो प्रॉफिट या लॉस नेगेटिव है लॉस है 16 अगर आप एक हजार यूनिट बनाते हैं तो वन थाउजेंड को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे सी एम पर यूनिट फाइव है ना सिक्सटीन माइनस तो हर, हर एक हजार यूनिट ये बना के सेल करने से प्रॉफिट आपका पांच हजार बढ़ता जा रहा है पांच हजार बढ़ता जा रहा है ठीक है तो प्रॉफिट और वॉल्यूम का जो रिलेशनशिप है वो सी के थ्रू जो है एक्सप्लेन होता है तो ये ग्राफ्स आपको बनाने आने चाहिए इसके अलावा भी कोई ग्राफ अगर आ जाता है तो वो जाहिर है आपको आ, देखना है आपने कि जी कौन सा ग्राफ ये मांग रहे हैं इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है तो डिपेंडेंट वेरिएबल की बेस पे इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को यूज करते हुए वे, डिपेंडेंट वेरिएबल की कैलकुलेशन करेंगे और फिर वो उन कैलकुलेशन को इस्तेमाल करके आप सिंपल ग्राफ बना देते हैं अभी जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं ये रिलेटेड है टारगेट प्रॉफिट से ठीक है जो टारगेट प्रॉफिट से रिलेटेड हमने अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं किया या बेसिक क्वेश्चन में आज सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि आपको इसका आइडिया क्लियर हो जाए चीजों का अगर ये आप सीरियस नहीं लेंगे तो जाहिर है फिर कंप्लेक्स क्वेश्चन जो है आपके लिए फिर बहुत ही कंप्लेक्स हो जाएंगे राइट तो ये जो क्वेश्चन फार्मूला हमने जो कल स्टडी किए थे वही आज हम प्रैक्टिस करें तो यहां पे आप देखें कह रहे लिम कॉरपोरेशन है सिंगल प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस इज वन टी सेबल एक्सपेंसिज है एटी पर यूनिट के तो so सी कितना हो गया फोर्टी रुपीज पर यूनिट हर यूनिट सेल करने से फोर्टी रुपीज बच रहे हैं आपको और फिक्स एक्सपेंसिजटी थाउजेंड फिक्स एक्सपेंसिज हैं तो यूजिंग इक्वेशन मेथड कह रहे हैं साल फॉर यूनिट्स डेटा रिक्वायर्ड टू अर्न टारगेट प्रॉफिट ऑफ हंड्रेड टेन थाउजेंड ठीक है और क्या रहे फार्मूला तो पहले हम इक्वेशन यूज कर लेते हैं कितने यूनिट सेल करने हैं तो सेल्स यूनिट्स कितने यूनिट सेल करेंगे टेक्निकली ये टारगेट सेल यूनिट्स से हैं इतने यूनिट सेल करने से सी एम पर यूनिट इतना है तो टोटल सी एम ये हो जाएगा इससे फिक्स एक्सपेंसिस माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा ये इक्वेशन है हमारे पास सिंपल वही जो इनकम स्टेटमेंट है उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया तो लॉस भी हो सकता है हम क्या चाहते हैं कि यहां पे प्रॉफिट कितना हो टेन थाउजेंड रुपीज का फिक्स एक्सपेंसिस आपको बताए फिफ्टी थाउजेंड रुपीज है टारगेट सेल्स ये हमने निकाल है कि कितने यूनिट सेल्स सेल करने पड़ेंगे सीएम पर यूनिट 120 ट्वेंटी माइनस एटी रुपीज पर यूनिट तो ये सिंपल है टेन थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड दूसरी तरफ जाके एड कर देंगे आप ये सिक्सटी थाउजेंड हो जाएगा ठीक है और यहां पे फोर्टी रुपीज पर यूनिट इनटू टारगेट सेल्स यूनिट तो ये सिक्सटी थाउजेंड हो गया जी हमारे पास सिक्सटी थाउजेंड को आप सिंपल डिवाइड कर देंगे फोर्टी से फोर्टी रुपीज पर यूनिट है रुपीज रुपीज कैंसिल हो जाएंगे और यूनिट्स में आपके पास आंसर आ जाएगा तो फिफ्टीन हंड्रेड यूनिट्स फिफ्टीन हंड्रेड आप सेल करें तो आप इतना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं टेन थाउजेंड का सिंपल है टारगेट सेल यूनिट्स आपने इक्वेशन मेथड से फाइंड आउट कर लिए ठीक है तो ये हमारे पास फर्स्ट जो पार्ट है क्वेश्चन का उसका आंसर है तो टारगेट सेल से आपने निकाली सेकेंड वो कह रहे हैं आप फार्मूला यूज करें तो फार्मूला भी सीखा। हमने सीखा हुआ है इसका फार्मूला क्या है अभी हमने फिक्स कास्ट ही नहीं कवर करनी हमने प्रॉफिट भी अर्न करना है टारगेट सेल यूनिट्स में हम फिक्स कास्ट भी कवर करते हैं और टारगेट प्रॉफिट भी अर्न करते हैं तो इतना सी एम हमें चाहिए डिवाइडेड बाय सी एम पर यूनिट तो ये सिंपल हमने सीखा तो फिक्स कास्ट कितनी है फिफ्टी थाउजेंड और प्रॉफिट हमें टेन थाउजेंड का चाहिए तो फिफ्टी थाउजेंड प्लस टेन थाउजेंड और सी एम पर यूनिट वन ट्वेंटी माइनस एटी वही चीज है तो फिफ्टीन हंड्रेड यूनिट आप सेल करेंगे तो आप दस हजार रुपए का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं तो इसको अगर आप चेक करना चाहें तो बहुत आसान होता है ये 1500 को आप ट्वेल्व से मल्टीप्लाई कर दें रेवन्यू आ जाएगा वन से सॉरी 1500 को आप मल्टीप्लाई कर दें 80 से वेरिएबल एक्सपेंसेस है माइनस हो जाएंगे सी एम आ जाएगा ठीक है और सी एम यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा लाइक सिक्सटी थाउजेंड ये कैलकुलेट करेंगे आएगा फिक्स एक्सपेंसेस माइनस होंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा चेक कर सकते हैं आपका जी प्रॉफिट टेन थाउजेंड है फिक्स कॉस्ट है सी एम है वेरिएबल कॉस्ट है और सेल्स तो ये आप चेक भी कर सकते हैं कि इतने यूनिट्स पे प्रॉफिट हमारा अटेंट हो जाए ठीक है तो यहां तक कोई क्वेश्चन है तो जी पूछ सकते हैं आप प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ से रिलेटेड कन्वेंशनल बी पी चार्ट से रिलेटेड टारगेट प्रॉफिट से रिलेटेड या बी पी से रिलेटेड इसके बाद हम फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो के हवाले से तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है कि जी आप बीपी से कितनी ज्यादा सेल कर रहे हैं जाहिर बीपी से जितनी ज्यादा सेल करें हैं उतना कम रिस्की है ठीक है जा? तो कल हमने जाहिर है टेक्निकल तो क्वेश्चन जो है या आपको ज्यादा बेहतर तौर पर आने चाहिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी की कैलकुलेशन है ये सिक्स पॉइंट एट क्वेश्चन है एम कॉर्पोशन इज अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ अ सन एम्बरेला यूज एट रिजॉर्ट होटल्स कह रहे हैं डेटा कंसर्निंग द नेक्स्ट मंथ्स बजट एज फॉलो सेलिंग प्राइस आपको बता रहे हैं इट इज थर्टी रुपीज पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ट्वेंटी रुपीज पर यूनिट टेन रुपीज़ का सी एम पर यूनिट है फिक्स एक्सपेंसिस बता दिए और सेल्स बता दिए एक हज़ार यूनिट की किए हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी कह रहे हैं बताएं मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है डिफरेंस है सेल्स माइनस बीपी सेल्स तो ये ये सेल्स आपको जो एक्चुअल बताइए यूनिट्स में बताइए ना तो ये सेल यूनिट्स हैं हमें रुपीज तो नहीं दिए हुए सेल यूनिट्स में से बीपी यूनिट्स माइनस कर लें तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी यूनिट्स में आ जाएगा ठीक है तो सेल यूनिट्स हैं हंड्रेड ये वन थाउजेंड यूनिट्स और ये बहुत आसान है बीपी सेल्स यूनिट्स फिक्स कॉस्ट कितनी है सेवेंटी फाइव हंड्रेड रुपीज और इसको आप डिवाइड कर दें टेन से थर्टी माइनस ट्वेंटी सी एम पर यूनिट ना ये क्या फार्मूला है बीपी सेल्स का ये यूनिट्स में जो आती हैं फिक्स कॉस्ट प्रोडक्ट बाय सी एम पर यूनिट तो वन थाउजेंड माइनस सेवन फिफ्टी ठीक है तो टू फिफ्टी यूनिट है यूनिट तो तो मतलब से सेल सेल्स में इतनी कमी है इसका क्या कॉन्सेप्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कि यूनिट सेल्स में इतनी कमी आएगी तो आप बीपी पे पहुंच जाएंगे उससे उस भी ज्यादा कमी आएगी तो लॉसिस होना तो शुरू हो जाएंगे ठीक है अगर रेवन्यूज में हो तो फिर ये चीज भी रेवन्यू में होगी रुपीज में अगर हो ये चीज भी रुपीज में लिखेंगे सेल्स भी रुपीज में लिखेंगे बीपी भी रुपीज में लिखेंगे तो फिर दोनों का डिफरेंस भी रुपीज में आ जाएगा अगर वह बाउंड करें कि रुपीज में निकालें तो फिर आप फिक्स कास्ट को सी एम रेशो से डिवाइड करेंगे तो ये बीपी रुपीज आ जाएगा और सेल्स भी फिर आप रुपीज में लिखेंगे कैसे रुपीज में लिखेंगे यूनिट्स को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करके तो रुपीज में से रुपीज माइनस होंगे उस सूरत में रुपीज में आ जाएगा ठीक है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो क्या रहे हैं जी बताएं तो फॉर्मूला हमने सीखा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो का मार्जिन ऑफ सेफ्टी को सेल से डिवाइड कर देना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है 250 और 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे परसेंटेज के लिए जरूरी है कि ये ये यूनिट्स इक्वल होने चाहिए सेम होने चाहिए इन टू हंड्रेड तो ट्वेंटी फाइव परसेंट हमारा आंसर इसका मतलब ट्वेंटी फाइव परसेंट कमी आएगी सेल्स में तो आप बीपी पे पहुंचेंगे ट्वेंटी फाइव परसेंट से ज्यादा कमी आती है देन देर विलू हो जाएंगे राइट तो ये यह यहां तक जो आपने अभी प्रैक्टिस देखी है ये वो चीजें हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे ये जो फार्मूला आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं बीपी ठीक है यूनिट में कैसे कैलकुलेट होगा बीपी रुपीज में कैसे कैलकुलेट होगा ठीक है जी आइडेंटिटी है फिर के CM और वेरिएबल एक्सपेंस रेशो का जो सम है वो हंड्रेड परसेंट है या वन होगा मतलब टारगेट सेल्स यूनिट्स कैसे निकालने टारगेट सेल्स रुपीज कैसे है मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे कैलकुलेट होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो कैसे कैलकुलेट होगी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी से रिलेटेड आइडेंटिटी क्या है ठीक है तो यहां तक कि हमने फिलहाल प्रैक्टिस की है इसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है ऑपरेटिंग लीवरेज का ठीक है ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे गैरिजन और नोरिन की बुक में ठीक है तो ऑपरेटिंग लीवरेज दो तरह की लीवरेज होती है एक होती है फाइनेंशियल लीवरेज एक होती है ऑपरेटिंग लीवरेज लीवरेज हमें रिस्कीनेस बता रही होती है ठीक है थी? तो ऑपरेटिंग लीवरेज आप जरा और से सीखेंगे ये आज की नई डिस्कशन है जी ऑपरेटिंग लीवरेज तो ऑपरेटिंग लीवरेज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट या इसको आप सिंपल लिख लें अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ईबीआईटी ईबीआईटी या सिंपल इसको आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कह सकते हैं दोनों ठीक हैं तो लीवरेज अभी इसका आप सीख लेंगे ये होती है। देखें है, आपने सीखा हुआ है कि प्रॉफिट कैसे निकालना है ठीक है अब ये इस तरह की छोटे -मोटे जो हैं, वो से छोड़े होते हैं पेपर में आ जाए तो जाहिर मुश्किल होगी सेल्स में से आप माइनस करेंगे वेरिएबल एक्सपेंसिस तो क्या आता है सीएम आता है अब सीएम में और प्रॉफिट में किस चीज का फर्क है फिक्स्ड एक्सपेंसिस का या फिक्स कॉस्ट बेसिकली फिक्स कॉस्ट और फिक्स एक्सपेंस में फर्क नहीं है क्योंकि जो भी फिक्स चीज है वो एक्सपेंस में जानी है ना पीरियड कॉस्ट है सारी की सारी तो तो ये हमारे पास आ जाता है ईबीआईटी या ऑपरेटिंग प्रॉफिट अब सी में और ईबीआईटी में जो चीज डिफर कर रही है वो फिक्स एक्सपेंसिज है जाहिर है ये फिक्स एक्सपेंसिस जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा डिफरेंस होगा इन दो में और उतना ज्यादा आंसर आएगा ऑपरेटिंग लीवरेज का तो ऑपरेटिंग लीवरेज टेल्स अबाउट डिग्री ऑपरेटिंग लीवरेज टेल्स अबाउट डिग्री ऑफ फिक्स कॉस्ट इन कॉस्ट स्ट्रक्चर ये कॉस्ट स्ट्रक्चर है कॉस्ट स्ट्रक्चर किसे कहते हैं कि कितनी फिक्स कॉस्ट है और कितनी वेरिएबल कॉस्ट जहरा जितनी फिक्स बिजनेस की होगी उतना बिजनेस रिस्की होता है क्योंकि सेल्स ड्रॉप करेंगी तो वेरिएबल एक्सपेंसि तो कम होंगे लेकिन फिक्स एक्सपेंसिज सेम रहेंगे ठीक है तो सेम रहेंगे सेल्स कम होंगी फिक्स एक्सपेंसिस आर देयर सी कम होगा लेकिन फिक्स एक्सपेंसिस आर देयर तो लॉसिस बढ़ना शुरू हो जाएंगे आपकी फिक्स कॉस्ट कम होगी तो उतना कम रिस्की बिजनेस होता है ठीक है तो यह रिस्कीनेस भी बताता है तो जितनी ज्यादा फिक्स कास्ट होगी डिग्री ऑफ फिक्स कास्ट का मतलब यही है कि रिस्कीनेस है जितनी ज्यादा ऑपरेटिंग लिवरेज होगी उतना रिस्की बिजनेस होगा ठीक है जी फॉर एग्जाम्पल आप इसको जरा आप एक तरह से देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कंपनी ए है और एक कंपनी बी है कंपनी ए की सेल्स जो है वो वन मिलियन सेम आर द सेल्स ऑफ कंपनी बी वन मिलियन अब ये कॉन्सेप्ट आपने जरा ध्यान से सीखना है ऑपरेटिंग इसके वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं 80 परसेंट ठीक है 800 हंड्रेड थाउजेंड इसके वेरिए सी एम है इसकी फिक्स कॉस्ट है हंड्रेड थाउजेंड ठीक है और इसका प्रॉफिट है हंड्रेड थाउजेंड कंपनी बी सपोज इनकी जो वेरिएबल एक्सपेंसेस है वो फोर्टी परसेंट है जस्ट फोर्टी परसेंट है आधे फोर हंड्रेड होजन और ये छह लाख जो है इसकी कंट्रीब्यूशन मार्जिन की वैल्यू और फाइव हंड्रेड होजेंड इसकी फिक्स कॉस्ट है फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा है इसकी एंड प्रॉफिट आर इक्वल अब इन दो कंपनी में क्या फर्क है सेम रेवन्यू सेम कॉस्ट है इसकी कॉस्ट कितनी है नाइन हंड्रेड है और इसकी कॉस्ट कितनी है नाइन हंड्रेड है सेम प्रॉफिट है सेम रेवन्यूज हैं कंपनी ए बी के सेम कॉस्ट है नाइन हंड्रेड दोनों की नौ लाख नौ लाख कॉस्ट है और सेम प्रॉफिट है एक एक लाख का फर्क किस चीज़ का सिर्फ कॉस्ट स्ट्रक्चर का फर्क है यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है और बहुत कम कॉस्ट फिक्स्ड है तो अपनी बी में मेजोरिटी ऑफ कास्ट जो है वो फिक्स्ड है और वेरिएबल कास्ट बहुत कम परसेंटेज है, है अब हम कहते हैं दोनों की सेल्स टेन परसेंट बढ़ गई आफ्टर ए है, है दोबारा से आफ्टर टेन परसेंट इंक्रीज इन सेल्स एंड बी आफ्टर टेन परसेंट इंक्रीज इन सेल्स अब 10 फीसद अगर सेल्स बढ़ जाए तो ये 1.1 मिलियन हो जाएगी जी सेल्स 10 परसेंट आपका जाहरा है सेल्स बढ़ने से 10 परसेंट आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे तो ये एट एटी हो जाएंगे ठीक है ये हमारे पास टू हो जाएगा फिक्स कास्ट सेम रहेगी एज्यूम करें हम रेलिवेंट रेंज में ही हैं अभी भी और ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया वन ट्वेंटी थाउजेंड का प्रॉफिट हमारा बढ़ गया ठीक है जाहिर है सेल्स बढ़ने से पॉजिटिव सी एम प्रॉफिट बढ़ेगा अब यहाँ पे जरा देखेंगे प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा मतलब डबल में इंक्रीज आ जाएगा प्रॉफिट में अब यहाँ पे टेन परसेंट कॉस्ट बढ़ी तो फोर फोर्टी थाउजेंड हो गया ठीक है यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा सिक्स सिक्सटी थाउजेंड और फाइव लैख माइनस हुए तो ये वन सिक्सटी थाउजेंड आ गया अब आप देखें यहां पे प्रॉफिट में कितना इंक्रीज है ट्वेंटी परसेंट इंक्रीज और यहां पे प्रॉफिट में कितना इंक्रीज है सिक्सटी परसेंट इंक्रीज ठीक है हाई रिस्क हाई रिटर्न टेन परसेंट सेल्स बढ़ने से साठ फीसद प्रॉफिट बढ़ गया लो रिस्क लो रिटर्न टेन परसेंट सेल्स बढ़ने से प्रॉफिट सिर्फ ट्वेंटी परसेंट बढ़ा इसका लॉसेस भी इसी तरह से होंगे अगर टेन परसेंट सेल्स कम होंगी तो ए का प्रॉफिट ट्वेंटी परसेंट कम होगा और बी का प्रॉफिट साठ फीसद कम हो जाएगा ठीक है जा? तो ये दोनों साइड पे है सेल्स बढ़ेंगे बढ़ेंगी तो आउट ऑफ प्रोपोर्शन बेनिफिट हो रहा है बी को सेल्स में कमी आएगी तो लॉस भी उसी तरह से फिर बढ़ेगा ठीक है तो ये आपने जरा देखा अब इसमें फर्क क्यों आ रहा है ये ऑपरेटिंग लीवरेज की वजह से आ रहा है अगर हम दोनों कंपनीज की ऑपरेटिंग लीवरेज निकालें ऑपरेटिंग लीवरेज ऑफ ए की ए का कितना सीएम है दो लाख प्रॉफिट कितना है ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना ईबीआईटी है तो दो लाख को डिवाइड किया लाख से सिंपल तो ये टू है ठीक है ऑपरेटिंग लीवरेज इज टू और ऑपरेटिंग लीवरेज ऑफ बी कितना है जी बी का सी एम सिक्सटी थाउजेंड सॉरी सिक्स हंड्रेड थाउजेंड और डिवाइड करेंगे प्रॉफिट से हंड्रेड थाउजेंड तो ये सिक्स है ठीक है तीन गुना ज्यादा रिस्की है बी तो तीन गुना ज्यादा फायदा हो रहा है ना इसका प्रॉफिट ट्वेंटी परसेंट बढ़ा है ऑपरेटिंग लीवरेज होगी इसका मतलब उतनी ज्यादा कंपनी की फिक्स कॉस्ट है ठीक है जी एज कंपेयर टू अदर कंपनीज और उतनी ज्यादा वो रिस्की है अगर रेवन्यूज बढ़ते हैं तो आउट ऑफ प्रोपोर्शन फायदा मिलेगा उस कंपनी को रेवन्यूज कम होते हैं तो बहुत तेजी से प्रॉफिट गिरेंगे ठीक है तो ये ऑपरेटिंग लीवरेज की एक तो ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए कि ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट कैसे होगी सीएम को डिवाइड करेंगे प्रॉफिट की वैल्यू से ठीक है कौन सा प्रॉफिट ईबीआईटी ठीक है तो एक और चीज मैं आज बताऊंगा फिर हम इसको क्लोज करते हैं आज के लेक्चर को कि आप देख रहे हैं कि जी एक का प्रॉफिट तो बड़ा ट्वेंटी परसेंट दूसरे का प्रॉफिट बड़ा सिक्सटी परसेंट तो ये आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन ईबीआईटी कि कितना परसेंट बढ़ेगा या कम होगी प्रॉफिट कितना बढ़ेगा या कम होगा ठीक है इक्वल्स टू परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन रेवेन्यू इन टू ऑपरेटिंग लीवरेज ये हमारे पास शॉर्टकट है कि हम देखेंगे कि कितना परसेंट रेवेन्यू बढ़ने से प्रॉफिट कितना बढ़ेगा ठीक है तो ये ए के लिए आपने देखा कि सेल्स कितनी बढ़ी है टेन परसेंट हाँ जी ये मीटिंग बीच में, में भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई थी इसकी वजह से आवाज जो है वो एनी so एनीवेज ये आप देख रहे हैं ऑपरेटिंग लीवरेज जो है इससे आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि रेवेन्यू जो है वो कितना चेंज होने से रेवेन्यू चेंज होने से प्रॉफिट पे क्या अफेक्ट आएगा ठीक है जो? तो परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू को आप मल्टीप्लाई कर दें परसेंटेज ऑपरेटिंग लीवरेज से तो डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि जी टेन परसेंट रेवन्यू बढ़ाया तो टू थी ऑपरेटिंग लीवरेज लिवरेज ये तो ट्वेंटी परसेंट हमारे पास प्रॉफिट बढ़ गया है और ऑपरेटिंग लीवरेज बी की सिक्स 60% सिक्सटी परसेंट प्रॉफिट बढ़ा तो ऑपरेटिंग लीवरेज के कॉन्सेप्ट को फिर फर्दर भी हम डिस्कस करेंगे आ, कुछ आप कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं ठीक है जी आज के लेक्चर के हवाले से इसकी आ, वीडियो जो है आ, वो भी इन आपको जल्दी मिल जाएगी और दूसरा इसमें जो वाइट बोर्ड है वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा कोई क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं चाहे तो टाइप कर दें आप चैट में एनी क्वेश्चन हाँ जी प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चंस नोट कर लेंगे अच्छा क्वेश्चन आपने किया है एक तो जिन्होंने रीडिंग नहीं की वो रीडिंग लाजमी करके आए ठीक है जी दूसरा जो गैरिजन और नरीन की बुक है इसमें आपने क्वेश्चंस में आपको बताता हूँ जी ये हमारे पास बुक ओपन हो गई है इसमें चैप्टर नंबर सिक्स है अगर आपको कास्ट बिहेवियर वगैरह में कुछ मसले हैं, तो ये बिहेवियर का चैप्टर अलग से मिल जाएगा आपको इसी बुक में चैप्टर फाइव है तो वहां से भी रीडिंग कर सकते हैं फिर भी मसला है, है फिर आप क्वेश्चनिंग करें तो क्वेश्चन वन से क्वेश्चन नंबर नाइन तक हमने डिस्कशन तकरीबन कर ली है तो फर्स्ट नाइन क्वेश्चंस आपको आने चाहिए ठीक है क्वेश्चन टेन मल्टी प्रोडक्ट क्या है? वो आप नहीं करेंगे फिलहाल तो बाकी क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन अलेवन आपको तो क्वेश्चन मैं ये चैट में लिख रहा हूं सिक्स पॉइंट नाइन सिक्स पॉइंट वन टू सिक्स पॉइंट नाइन एंड सिक्स पॉइंट वन वन टू सिक्स पॉइंट तो तो क्वेश्चन ट्वेल्व भी आप कर सकते हैं थर्टीन भी कर सकते हैं फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन एटीन नहीं तो फोर पॉइंट वन वन टू सिक्स पॉइंट वन वन टू सिक्स पॉइंट वन सेवन ये क्वेश्चन दिया आपने ये होमवर्क है आपका फ्राम गैरिजन एंड नोरिन जो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा वो आप मेरे से पूछेंगे और फिर हम जाहिर है टफ क्वेश्चन की तरफ जो है वो मूव करेंगे सो एनी अदर क्वेश्चन तो फर्स्ट नाइन क्वेश्चन और अलेवन टू सेवनटीन सेवन क्वेश्चन ये हैं सिक्सटीन क्वेश्चन आपको आने चाहिए और रीडिंग में कोई अगर कोई चीज आप फेस करते हैं जाहिर है वो भी आप मेरे से पूछेंगे एनी अदर क्वेश्चन ये वाइट बोर्ड एक दफ़ा आप फिर से देख लें इनमें इसमें कोई भी चीज़ अगर आप देखते हैं जब आपको समझ नहीं आई तो कमिंग लेक्चर में भी आप पूछ सकते हैं अभी भी पूछ सकते हैं ठीक है जी हमने काफ़ी सारे आज छोटे छोटे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और बहुत से कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो रिवाइज किए हैं कुछ ऑपरेटिंग लिवरेज केवाले से और कुछ एक दो चीज़ें हमने नहीं भी डिस्कस किए हैं तो इन जी इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में फर्दर प्रैक्टिस के साथ जाहिर है अभी बेसिक प्रैक्टिस हमने कर दी है कर ली है अगर आप ये जो एट मैंने क्वेश्चंस आपको दिए हैं सिक्सटीन क्वेश्चंस